गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर थर्ड क्लास 11 एंड AIPMT की सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, हम स्पेशली यहाँ डील करेंगे प्लांट किंगडम को। देखिए, हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू विटेकर फाइव किंगडम कंसेप्ट को हम लोगों ने स्टडी की थी लास्ट क्लास में। हम लोगों ने फाइव किंगडम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये बतलाया था कि जो फाइव किंगडम कंसेप्ट है वो स्पेशली बताती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो फाइव किंगडम में डिवाइडेड हैं। और हम लोगों ने इन फाइव किंगडम में किस किस की स्टडी की, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मोनेरा लिया, देन प्रोटिस्टा की स्टडी की, फिर हम लोग फंजाई को लिया, और अब चौथा जो फोर्थ किंगडम है हम लोगों के वो है प्लांट किंगडम। जनरली हम इनको प्लांटी के नाम से भी डील किए थे। ओके, तो हम इनको अगर प्लांटी भी कहते हैं तो नो प्रॉब्लम, ये भी इनका नाम विटेकर ने दिया था। जनरली ये कौन है, ये हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। देखिए, इनके साथ ये एक वर्ड लगेगा मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इनके में सेल नंबर्स होता है मोर देन टू और मोर देन होता है, और उसी के साथ क्या होता है, जो सेल्स होती हैं उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। यानी ये वेल डेवलप न्यूक्लियस वाली सेल्स होती हैं और सेल्स का नंबर टू और मोर होगा। जनरली हम लोग मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में प्लांट किंगडम में स्टडी करेंगे एल्गी, ये हमारा एक मेजर ग्रुप होगा, इसकी स्टडी हम लोग यहाँ करेंगे। इसी एल्गी के बाद हम लोग स्टडी करेंगे ब्रायोफाइट, उसके बाद हम स्टडी करेंगे टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बाद हम स्टडी करेंगे एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। पहले हम जिम्नोस्पर्म की स्टडी करेंगे और लास्ट में स्टडी करेंगे अपन एंजियोस्पर्म की। देखिए, ये सब क्या हैं, ये सब जितने भी हम लोग स्टडी करेंगे ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की स्टडी की जाएगी। यह हम लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है कि जो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हैं उनकी पर्टिकुलरली हम लोगों को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये डील करने होंगे। जनरली जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही बनते हैं कि भाई ब्रायोफाइट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टेरिडोफाइट्स के क्या हैं, जिम्नोस्पर्म के क्या हैं, एंजियोस्पर्म के क्या हैं, और स्पेशली वो कैरेक्टरिस्टिक्स डील करेंगे अपन जो इनके आइडेंटिफिकेशन को डील करते हैं। भाई एक सिंपल सी बात है कि अगर मेरे सामने कोई ऑर्गेनिज्म है तो मुझको ये ध्यान देना होगा कि वो जो ऑर्गेनिज्म मेरे सामने है उसको मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं। अगर मैं देखता हूं कि मेरे सामने एल्गी है तो मैं उसको क्या आइडेंटिफाई कर पाता हूं, अगर ब्रायोफाइट है तो मैं पहचान सकता हूं कि आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ब्रायोफाइट है, अगर टेरिडोफाइट है तो मैं ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट को अलग अलग पहचान सकता हूँ, उनको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। यही मेरा मेन पर्पस होगा, आपका ही मेन पर्पस होगा। क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे या तो वो आइडेंटिफिकेशन से बेस्ड होंगे जो उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन के साथ स्पेशली यहाँ ध्यान देना होगा उनकी बॉडी स्ट्रक्चर पर। हमारा मेन पर्पस रहेगा कि हम जितने भी ग्रुप की स्टडी करेंगे उनके बॉडी स्ट्रक्चर को स्पेशली ध्यान रखेंगे, तो बॉडी स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उस पर भी हम लोगों को स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के साथ हम लोगों को इनका जो पर्टिकुलर हैबिटेट होगा उसको ध्यान देना होगा कि ये पर्टिकुलरली किस हैबिटेट को रिलेट करते हैं। जैसे हैबिटेट से क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं तो एल्गी वगैरह हो जाते हैं, है ना, तो उनकी हम लोगों को स्टडी करनी होगी। इसके साथ ही फिर हम लोग आएंगे इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में रिप्रोडक्शन पर।
रिप्रोडक्शन में हम लोगों को वही देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। हमारा मेन टारगेट रहेगा कि हम इन तीनों रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लें, असेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। अब इनमें क्या स्पेशलिटी देखने को मिलती है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब 12th क्लास की स्टडी होती है हमारी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की, तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, उनमें रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसे असेक्सुअल के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, लेकिन एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्ट्रेटोफाइट्स में इसको हम लोग अलग से भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग इनमें कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को डील करेंगे। देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में इतना बड़ा डिबेट चल जाइएगा जितनी ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर मैं कोई लेक्चरर हूँ, लेक्चरर में MBBS किया हुआ हूँ, तो मैं MBBS किया हुआ हूँ तो इतना ज़्यादा डीप पढ़ा दूंगा आपको जूलॉजी, जितनी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको AIPMT फाइट करनी है, आपको एम्स फाइट करनी है, या अदर कोई प्री मेडिकल कंपटीशन फाइट करनी है, तो उसके लिए आपको जितनी स्टडी की ज़रूरत है उतनी कीजिए। इतना डीप मत जाइए कि आपकी जो मेन स्टडी है उससे आप दूर चले जाएँ। तो अपन उतनी ही स्टडी करेंगे जितनी अपन को ज़रूरत है। मार्केट में काफ़ी सारी शीट्स अवेलेबल हैं, अलग अलग रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पढ़ने के, क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमारा टारगेट पढ़ने का ये रहेगा कि जो मेन मेन टॉपिक्स हम लोगों के हैं, जो कंपटीशन बेस्ड होते हैं, उनको डील करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों का एक क्राइटेरिया होगा प्लांट किंगडम को पढ़ने का, प्लांटी को, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एवरेज हमारी जो क्लासेस होंगी, एक 1-2 क्लासेस एल्गी में लगेंगी, 1-2 ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, और लास्ट जो एंजियोस्पर्म होगा इसमें हमारी 3-4 क्लासेस को हम लोग उसके अकॉर्डिंग में उनको डील कर लेंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन बेस्ड जरूर ध्यान रहना चाहिए कि आप करेक्टर स्टडीज को डील करेंगे, जिसमें आइडेंटिफिकेशन और बॉडी स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। हैबिटेट बेस्ड क्वेश्चन जनरली बनेंगे एल्गी से, और जो रिप्रोडक्शन होगा वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कई क्वेश्चन बेस्ड होंगे असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल में जनरली हम लोगों को वही देखने को मिलेगा, आइसोगेमी, एनिसोगेमी एंड ओगेमी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग और असेक्सुअल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स की स्टडी करेंगे अपन लोग। वेजिटेटिव में जनरली सिंपल रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग वगैरह, इनकी स्टडी कर लेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हम स्टार्टिंग करते हैं एल्गी से। ओके, तो प्लांट किंगडम में हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे एल्गी। देखिए जैसे मैंने एल्गी लिखा, तो आप लोगों को ये बात डील कर लेना चाहिए कि जितने भी एल्गी मन में आए वो आप लिखते जाएं। जैसे कारा, बस जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसके एग्जांपल्स हम लोगों को मालूम होना चाहिए, और जितने ज्यादा एग्जाम्पल से हम वेल नोन होंगे उतना ही ज्यादा हम लोगों के लिए बेटर है। क्लेमाइडोमोनास, वॉल वॉक्स ये भी बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है, उडोगोनियम। देखिए ये एग्जाम्पल आप अपने माइंड में जितनी बार भी रिकॉल करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। ठीक है, यूलोथ्रिक्स, इसलिए मैं आपके सामने पहले स्टार्टिंग से पहले कुछ एग्जाम्पल्स को लिख रहा हूं, उनको आप लोग स्पेशली ध्यान देते जाना। सार्गेसम, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस, ग्रेसिलेरिया, जिलीडियम, फ्यूकस, केल्प, केल्प जो होता है इसकी हाइट ज्यादा होती है,
एवरेज 100 मीटर हाइट वाले होते हैं, इसलिए इनका स्पेशली ध्यान रखना। इसी के साथ हम लोग और जो डील करेंगे वो हम देखते जाएंगे। अब जितने जितने हम लोगों के दिमाग में स्ट्रोक करते हैं वो एलगी आप लोगों के सामने है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे इसे ही देखिए। इसी के साथ मैं क्लेमाइडोगायरस के साथ एक को नाम लगा देता हूँ, क्लोरेला। क्लोरेला ये भी बड़ा पॉपुलर है। ओके स्टूडेंट्स, तो जनरली हम लोगों के सामने ये कुछ एल्गीज जो हैं उनके एग्जांपल हैं, ठीक है। अब हम लोग सिंपल से इनको एक बार देख लेते हैं ताकि ये एग्जांपल्स को आप रिकॉल करते रहें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एग्जांपल से क्वेश्चन आएंगे, वो इन्हीं के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। जैसे कारा, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवर्क्स, उडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, सार्गेसम, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस, ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम, फ्यूकस, कैल्प, इन्हीं से जनरली क्वेश्चन हम लोगों के पुट होंगे। हमको इनकी जनरली स्टडी मालूम होना चाहिए। एक बात से आप बचना, यहाँ पर कई एग्जांपल्स होते हैं जो साइनोफाइसी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग पहले दे चुके हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के, उनको देने से बचना। वो नॉस्टोक हैं, एनाबीना हैं, जो भी एग्जांपल्स आप लोग डील कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि साइनोफाइसी को हम लोग की जो एनसीईआरटी है और फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं मोनेराम इंक्लूड हम लोगों ने प्रोटिस्टा के अंदर उनको इंक्लूड कर दिया है, तो प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड कर दिया है तो अब वो यहाँ एग्जांपल्स में नहीं आएंगे। तो आप लोग स्पेशली ध्यान रखना कि आप इन एग्जांपल्स में उनको मत लेना, बस जितने भी एग्जांपल्स हों इन्हीं बेस्ट को लेंगे, कुछ और एग्जांपल्स आएंगे तो उनको डील कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ दिया देखेंगे कि भाई एल्गी जो टर्म है, जो एल्गी टर्म है, हम लोग हिस्ट्री को डील कर रहे हैं भाई, और हिस्ट्री में हम ज़्यादा डील नहीं करेंगे, बस स्पेशल स्पेशल बातों को डील करेंगे जो मेन एग्जाम में हमारे एग्जाम में आ सकती है। एल्गी जो टर्म है, अगर उनकी बात की जाए, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एल्गी टर्म किसने दी, ये बड़े ओल्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जनरली आपको देखने को मिल जाते हैं, तो लीनियस ने ये टर्म्स दी है। एल्गी टर्म पर्टिकुलरली किस साइंटिस्ट ने दी? लीनियस ने। अब हम लोग दूसरी बात डील कर लें, अगर हम एक वर्ड लिखते हैं फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी का मीन्स होता है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ एल्गी, यानी बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम लोग एल्गी की स्टडी करते हैं वो होती है फाइकोलॉजी। अब फाइकोलॉजी में अगर दो क्वेश्चंस बनते हैं हम लोगों की कि भाई फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, तो आप लोग आंसर लिखना फ्रिश। फ्रिश जो है फादर ऑफ फाइकोलॉजी है। और अगर क्वेश्चन बन जाए फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, अगर फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी से क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग ध्यान रखना ओपी अयंगर। तो ओपी जो अयंगर हैं वो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी हैं। तो फाइकोलॉजी का मीन्स हुआ कि हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम लोग जनरली स्टडी कर रहे हैं किसकी, एल्गी की। अगर वो फादर ऑफ फाइकोलॉजी पूछते हैं तो फ्रिश आप लोग स्पेशली ध्यान रखेंगे, और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो ओपी अयंगर। तो जनरली ध्यान रखना अगर कोई क्वेश्चन हिस्ट्री बेस्ड आता है जो एल्गी से पूछा जाता है, तो हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो उस पर क्वेश्चन जनरली हम लोगों की यहीं से बनेंगे, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ट्रम एल्गी लीनियस ने दी। फाइकोलॉजी मीन्स आप जानते ही हैं, उसके फादर ऑफ फाइकोलॉजी फ्रिश हैं, और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है? ओपी अयंगर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्पेशली ये ध्यान रखेंगे कि किस तरह की जो करैक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे अब उसको डील करते हैं। तो ये तीन साइंटिस्ट के नाम ध्यान रखना आप, लीनियस, फ्रिश एंड अयंगर।
देखिए अब ये तो हम लोग एलगी के जो ऊपर वाले नेम दे रखे हैं इनको तो आप जितना भी आप देख रहे हैं उनको पढ़ते रहिए ताकि आपको ये नेम अपने दिमाग के दिमाग में जमते रहें। ओके, अब हम लोग स्पेशली डील करें कि भाई जितने भी एलगी हैं उनकी अक्रेंस क्या है, यानी उनका पर्टिकुलर हैबिटेट क्या है। अगर मुझसे वन वर्ड पूछा जाए तो मैं वन वर्ड बोलूँगा कि मैक्सिमम एल्गी जो होते हैं उनका अक्रेंस होता है एक्वाटिक नेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उनकी एक्वाटिक नेचर को डील करूंगा, लेकिन कुछ एल्गी ऐसे होंगे जो टेरेस्ट्रियल नेचर को भी डील करेंगे और कुछ एल्गी ऐसे होंगे जो अनयूजुअल हैबिटेट को भी डील करेंगे। तो कुछ अनयूजुअल हैबिटेट में होंगे, कुछ टेरेस्ट्रियल होंगे और मैक्सिमम एक्वाटिक होंगे। एक्वाटिक में हमको दो स्पेशल कैटेगरी देखने को मिलेंगी, फ्रेश वाटर एल्गी होंगे। अब फ्रेश वाटर एल्गी में जनरली हमको उडोगोनिया मिल जाएगा, यूलोथ्रिक्स मिल जाएगा, ये सब नाम ऊपर से ले रहा हूं मैं, इसलिए आप थोड़ा नॉर्मली बिल्कुल ध्यान रखें इनको। क्लेमाइडोमोनास मिल जाएगा, तो ये ऐसे कुछ एल्गी होंगे जो जनरली आपको क्या होंगे फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे। अगर हम मराइन वाटर को डील कर रहे हैं तो मराइन वाटर के अंदर जनरली हम लोगों को फियोफाइसी की एल्गी मिलेंगी। जनरली हम लोगों को रोडोफाइसी की एल्गी देखने को मिलेंगी। तो फियोफाइसी में जनरली हम लोगों को देखना भाई कि वहां पर हम लोगों को कई ऐसी कंडीशन मिल जाएंगी, जैसे एक्टोकार्पस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये बड़ा स्पेशली वहां मिल सकता है, फ्यूकस देखने को मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, रोडोफाइसी की भी एल्गी मिल जाएंगी। रोडोफाइसी के अंदर पर्टिकुलरली हम डील करेंगे, हम जब रोडोफाइसी को डील करेंगे बतलाएंगे कि जो एल्गी होते हैं उनके डिविजन्स होते हैं, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, है ना, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी वगैरह वगैरह हम लोग डील करेंगे तब देखेंगे। रोडोफाइसी में जनरली पॉलीसाइफोनिया आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जनरली ध्यान रखना, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि जो एल्गी होते हैं उनकी जो मेन हैबिटेट होता है वो कौन सा होता है, एक्वाटिक। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि फ्रेश वाटर एल्गी कौन से, ठीक है, वो फोर ऑप्शन दे देता है और पूछ लेता है इसमें से कौन सा फ्रेश वाटर एल्गी है या कौन सा फ्रेश वाटर एल्गी नहीं है। तो उसमें कोई मराइन या टेरेस्ट्रियल या अनयूजुअल हैबिटेट को दे देगा, तो आप स्पेशली ध्यान रखना। मेनली होता क्या है कि जो हम लोग एक डील करेंगे डिविजन क्लोरोफाइसी, और क्लोरोफाइसी में क्या होगा, हम क्लेमाइडोमोनास, वोलवॉक्स, उडोगोनियम इनको डील करेंगे। ये मैक्सिमम जनरली क्लोरोफाइसी जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं। मराइन वाटर में जनरली रोडोफाइसी, फियोफाइसी मिलते हैं, हम डील करेंगे रोडोफाइसी, फियोफाइसी में इन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू, तो वहाँ भी हम स्टडी करेंगे इसे। लेकिन आप ध्यान रखना कि भाई ये हैबिटेट जनरली ये होता है, वैसा नहीं कि जो क्लेमाइडोमोनास है इनके सभी स्पीशीज फ्रेश वाटर से ही, कुछ स्पीशीज कहाँ से होती हैं, मराइन वाटर से भी होती हैं। तो काफ़ी कम चांसेस हैं कि कोई क्वेश्चन फ्रेश वाटर एल्गी और मराइन वाटर एल्गी से पूछा जाए। बस ये जरूर पूछा जा सकता है कि मेन जो एल्गी होते हैं उनकी जो हैबिटेट होता है वो क्या होता है, एक्वाटिक होता है। जो आजकल पैटर्न चल रहा है AIPMT क्वेश्चंस के या PMT एग्जाम्स के क्वेश्चंस के, वो इसी बेस पे चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब टेरेस्ट्रियल जो नेचर होती है, टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, ये टॉप सॉइल पे मिलते हैं। जनरली सोइल की सरफेस पर, सोइल सरफेस पर ये मिल जाते हैं। और सोइल सरफेस पर क्या होता है, जो अपर पार्ट होता है सोइल का वहां जनरली मिलेंगे। अपर पार्ट के साथ हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो टॉप सॉइल है उसके अंदर ये सेप्रोफाइटिक नेचर की होंगे, जबकि मैक्सिमम एल्गी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं।
लेकिन टॉप सॉइल पे जनरली मिलने वाले नेचर की जो इनकी देखने को मिलेगी वो टेरेस्टाइल मिलेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे की बात करें तो जनरली हम लोगों को देखिए टॉप सॉइल और सैप्रोफाइटिक नेचर जो होगी वो जनरली हम लोगों को कुछ स्पेशल एल्गी की देखने को मिलेगी, जैसे अभी तक मैंने वो नाम यहाँ लिखे नहीं हैं, उनको वहाँ भी लिख दूंगा, बॉट्रिडियम। देखिए बॉट्रिडियम जो होगा सिनोसाइटिक एल्गी होता है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनेगा तो हम लोग स्ट्रक्चर को डील करेंगे, वहाँ देख ही लेंगे। युगलिना, जनरली युगलिना की कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो इस तरह से मिल जाती हैं हम लोगों को। वाउचेरिया, जनरली कुछ बुक्स इसका प्रोनाउंसिएशन वाकेरिया करते हैं, वाकेरिया। रिसेंट आज हम लोग पढ़ते थे इसको वाउचेरिया बोला जाता था, अब जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वाकेरिया। तो वाकेरिया, युगलिना एंड बॉट्रिडियम, ये जो कुछ स्पीशीज हैं जनरली क्या होता है कि इनकी नेचर टॉप सॉइल के साथ होती है और सैप्रोफाइटिक नेचर होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। और AIPMT बेस्ड क्वेश्चन जनरली आपसे अनयूजुअल हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल हैबिट से पूछे जाने के चांस मैक्सिमम है। तो ध्यान रखना इन तीन एल्गी के नाम बॉट्रिडियम, युगलिना एंड वाउचेरिया किस में होंगे, टेरेस्ट्रियल नेचर के एल्गी होंगे, टॉप सॉइल में मिल सकते हैं। आप लोगों को मैं यहाँ नाम, ये जो नाम लिखे मैं यहाँ भी लिख देता हूँ ताकि जो नेम की लिस्ट है उसको आप आगे कन्वर्ट कर सकें। बॉट्रिडियम एंड एक नेम वो लिखा हमने जो हमारी मेन लिस्ट में नहीं है, वाउचेरिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अनयूजुअल हैबिटेट। देखिए अनयूजुअल हैबिटेट है तो स्पेशली अनयूजुअल ही मिलेगी, जैसे कई एल्गी ऐसे होंगे जो हेलोफाइटिक नेचर के होंगे। ओके, जनरली हेलोफाइटिक नेचर देखने को मिलेगी, कुछ नेचर कुछ ऐसे होंगे जो एपीफाइटिक होंगे, कुछ ऐसे एल्गी जो होंगे एपीजोइक होंगे, कुछ एल्गी ऐसे होंगे जो एंडोजोइक होंगे, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से हम लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ एल्गी ऐसे होंगे जो पैरासाइटिक होंगे, जबकि पैरासाइटिक होने के चांस बहुत कम है एल्गी के। या स्पेशली एक नाम ध्यान रखना, सीफेलोरास, सीफेलोरास, ये जनरली जो एल्गी होता है ये रेड रस्ट डिजीज करेगा टी में, चाय में, ये अगर आपके क्वेश्चन बन जाता है तो इस पर जरूर स्पेशली ध्यान रखना। रेड रस्ट डिजीज जो होती है वो स्पेशली चाय में पैरासाइटिक नेचर की सिफिलोरस के थ्रू होती है। सिफिलोरस एग्जांपल भी आपकी इस लिस्ट में नहीं है तो इसका भी स्पेशल ध्यान रखना। अब हम हेलोफाइटिक नेचर को डील कर रहे हैं। हेलोफाइटिक नेचर का मीन्स हुआ कि एल्गी जो होंगे ऐसे हैबिटेट में होंगे जहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा है, सेलाइन है, तो अब सॉल्टी जो नेचर की हैबिटेट होते हैं वहाँ पर किसी भी प्लांट लाइफ का सर्वाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कुछ कर जाते हैं। अब क्लेमाइडोमोनास की जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो मैक्सिमम वाटर वाली हैं। अगर वो वाटर सलाइन वाटर है और वहाँ पर सॉल्ट्स ज़्यादा हैं तो फिर पर्टिकुलरली हेलोफाइटिक नेचर में देखने को मिलेगा। तो आप स्पेशली ध्यान रखना कि क्लेमाइडोमोनास जो होता है उनकी कुछ स्पीशीज में ये नेचर देखने को मिलती है कि वो क्या होती हैं, हेलोफाइटिक। और हेलोफाइटिक का मींस क्या हुआ, हेलोफाइटिक का मींस हुआ कि हेलोफाइटिक नेचर का मींस ये हुआ कि जनरली ऐसा हैबिटेट जहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा हो, सेलाइन वाटर हो। अब देखिए एपीफाइटिक बोल रहे हैं, यहाँ पर एपी का मींस हुआ आउटर और फाइटिक मींस हुआ प्लांट सरफेस, यानी ये जनरली क्या होंगे किसी प्लांट सरफेस के अपर सरफेस पर चिपके हुए होंगे। अगर ये प्लांट है तो इसकी जो स्टेम है उस पर ये एल्गी लगे हुए होंगे, आप बोलेंगे पैरासाइटिक, जस्ट लाइक ए पैरासाइटिक नेचर, लेकिन ये अपर सरफेस पर ही लगे होंगे। इसमें एक बड़ा पॉपुलर नाम है कॉलियोकीट, इस एग्जांपल को स्पेशली ध्यान रखना,
कोलियोकीट। अगर कोलियोकीट के साथ आपको उडोगोनियम मिल जाए तो उडोगोनियम जनरली देखो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर उडोगोनियम में कुछ स्पीशीज मिल सकती हैं आपको, स्पेशली तो एपिफाइटिक नेचर के कोलियोकीट ही होते हैं जो किसी प्लांट की सरफेस पर, प्लांट की सरफेस स्टेम लीफ इस पर क्या होते हैं, अपर साइड पर पाए जाते हैं, अंदर नहीं। और अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल आपको अगर मिल जाए इसमें तो उडोगोनियम का स्पेशली ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जनरली क्या होता है, इस तरह से ये देखने को हमको मिल जाता है कि कुछ स्पीशीज ऐसी होती है। अभी एक नाम लिखता हूं मैं एपिजोइक में, क्लेडोफोरा क्रिसपेटा। अगर क्वेश्चन बन जाता है, एपिजोइक का मींस होता है कि एनिमल की सरफेस पर मिलते हैं, अपर साइड पर, इंटरनली नहीं आउटरली। अब क्लेडोफोरा क्रिसपेटा को स्पेशली ध्यान रखना है इस एग्जांपल को। आप क्लेडोफोरा क्रिसपेटा की नेचर क्या होती है, जो स्नेल्स होते हैं ना, उन स्नेल्स की अपर सरफेस पर ये मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, AIPMT में पूछा जा चुका है क्लेडोफोरा क्रिसपेटा। तो इस एग्जाम्पल्स को जनरली ध्यान रखना जो हम लोगों के क्वेश्चन बेस्ट आ जाए, ये ऐसा एग्जाम्पल है जो आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है। एक नाम और है जो एंडोजोइक को मैं डील करूंगा। एंडोजोइक का मीन्स हुआ एनिमल के अंदर मिल जाते हैं। एक एनिमल है हाइड्राविरिडिस, यहां स्पेस नहीं मैं लिखता हूं, हाइड्राविरिडिस जो है वो सिलेंटेटा एनिमल को डील कर रहा है। नॉन कॉर्डेट है, सिलेंटेटा में आता है, आपने नाम सुना है हाइड्रा का। उस हाइड्राविरिडिस में एक एल्गी मिलता है जिसका नाम है जू कैलोरेला। ये इससे कई बार क्वेश्चन बनते थे जब हम प्रिपरेशन करते थे, उस टाइम भी जू कैलोरेला से क्वेश्चन बन जाते थे। तो जू कैलोरेला ऐसा एल्गी है जो हाइड्राविरिडिस के टिश्यूज के अंदर मिलता है, टिश्यूज में मिल जाता है, अपर सरफेस में नहीं। इसलिए एंडो मतलब इनसाइड ऑफ इन एनिमल्स। तो एंडोजोइक में एक स्पेशली नाम ध्यान रखना, जू कैलोरेला एल्गी है, किस में मिलता है, हाइड्राविरिडिस में। पैरासाइटिक में मैं आपके नाम अपने सामने सिफ्लोरस के नाम लिया ही सही, उसको डील किया ही सही। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस कैटेगरी को तो डील कर ही लिए हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, कुछ और भी एग्जांपल्स हमसे पूछे जा सकते हैं जो इसके अकॉर्डिंग होंगे और इसी के साइड बाय साइड चलेंगे। एक दो एग्जांपल्स को और डील कर सकते हैं हम। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से तो अब आगे बढ़ना चाहें तो कुछ और पर्टिकुलर डिफरेंट एग्जांपल्स को देख लें। एक और नेचर है जो अनयूजुअल है, हम डील कर भी चुके हैं इसको। कौन सी नेचर? सिम्बायोटिक। देखिए सिम्बायोटिक नेचर स्पेशली साइनोफाइसिस में जाती है, और साइनोफाइसिस ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कहाँ चले जाते हैं, अपने प्रोटिस्टा के अंदर, जिसको साइनोबैक्टीरियम हम डील कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा एग्जांपल नहीं देंगे कि भाई सिम्बायोटिक नेचर में, हम लोग ना लाइकेन का एग्जाम्पल देते हैं। लाइकेन का एग्जाम्पल देकर हम नहीं बढ़ेंगे जनरली, हम लोग देखेंगे कि कुछ क्लोरोफाइसी के जो एल्गी हैं, अगर पर्टिकुलर आपके किसी डिवीजन से क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखना हम लोग क्लोरोफाइसी को आगे डील करने वाले हैं। मैं यहाँ पर सिम्बायोटिक नेचर में नोस्टोक का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, क्योंकि नोस्टोक में क्या होता है कि साइनोफाइसी के जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, अदर के साथ सिम्बायोटिक नेचर शो करते हैं। तो आप नोस्टोक से बचना, ठीक है। जनरली इतना ध्यान रखना कि क्वेश्चन अगर एल्गी बेस बनता है तो आप उसका नोस्टोक एनाबिना का नाम नहीं देंगे, कि नोस्टोक एनाबिना कहाँ चले जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी में, साइनोबैक्टीरिया के अंदर। और साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट टाइम पर एल्गी के अंदर इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो सिम्बायोटिक नेचर है उसमें क्लोरोफाइसी को डील करेंगे, और क्लोरोफाइसी में पर्टिकुलर जो होगा वो ब्रायोफाइट्स के साथ, टेरिडोफाइट्स के साथ, जिम्नो के साथ क्या होगा, सिम्बायोटिक नेचर होगी क्लोरोफाइसी की। तो ये आप लोग ध्यान रखना, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बेस्ट बनता है तो इसका स्पेशली ध्यान रखना। एक और अनयूजुअल हैबिटेट है, अपन उसको भी लिख लेते हैं, अनयूजुअल हैबिटेट एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रायोफाइट। देखो क्रायोफाइटिक का मीन्स होता है कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो जनरली स्पेशली कहाँ मिलते हैं, आइस के साथ, आइस के साथ मिलने वाले एल्गी, ऐसा अनयूजुअल हैबिटेट है, आइस पर मिलते हैं।
और जिस आइस पर ही मिलते हैं उस आइस का रंग डिफरेंट डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल को डील करता हूं, ही मेटो कोकस नीवेलिस, जो आइस होती है उसका ये जो कलर होता है ये रेड रंग कर देता है। तो आप लोग ध्यान देना मेरी बात पर, क्रायोफाइटिक नेचर से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो क्रायोफाइटिक वो एल्गी होते हैं जो जनरली स्नो में पाए जाते हैं, स्नो में मिलते हैं, स्नो में प्रेजेंट होते हैं। और इन एल्गी की जो ये अनयूजुअल हैबिटेट है, जिस भी स्नो में ही मिलते हैं, जिस भी आइस में ही मिलते हैं, वहाँ पर्टिकुलर कलर चेंज कर देते हैं। स्नो या आइस का रंग या कलर रेड कर देते हैं, येलो कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, पर्पल कर देते हैं, तो उसको डिफरेंट कलर में चेंज कर देते हैं। जैसे हिमेटोकोकस नेवेलिस क्या करता है, जिस आइस में होता है उसका पर्टिकुलर कलर जो होता है वो रेड कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। तो हम लोग जनरली ध्यान रखें कि ये कुछ ऐसी पर्टिकुलरली हम लोगों ने अक्रेंस को डील किया है। अक्रेंस से क्वेश्चन जनरली टेरेस्ट्रियल या अनयूजुअल हैबिटेट से आएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम रिवाइज कर लेते हैं। एल्गीज शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अक्रेंस, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड अनयूजुअल हैबिटेट। एक्वेटिक इज अ मेन हैबिटेट ऑफ एल्गी विच शो बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट। फ्रेश वाटर हैबिटेट एल्गी जनरली प्रेजेंट इन पॉन्ड, लेक टाइप्स वाटर बॉडीज, जनरली उडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमाइनास शोज दिस टाइप ऑफ हैबिटेट। मराइन वाटर हैबिटेट जनरली शो बाई फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी एल्गीज, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टोकार्पस अंडर फियोफाइसी पॉलीसाइफोनिया, दीज आर मराइन वाटर एल्गी। अदर मैनी एग्जाम्पल्स डील विद मराइन वाटर एल्गी बट जनरली नॉट आस्किंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेश वाटर मराइन वाटर एल्गी। ओके, जनरली आस्क क्वेश्चंस इन आवर एग्जाम्स, व्हाट इज द मेन हैबिटेट ऑफ एल्गी। नाउ वी डिस्कस द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ऑफ एल्गी। दीज एल्गी प्रेजेंट ऑन टॉप सॉइल ऑफ टॉप सॉइल एंड जनरली शो सैप्रोफाइटिक नेचर। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर AIPMT एग्जाम्स और अदर PMT एग्जाम्स। बोट्रेडियम, युगलीना एंड वॉचेरिया, दीज आर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल नेचर एल्गी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अनयूजुअल हैबिटेट ऑफ एल्गी। इट इज ए हेलोफाइटिक, एपिफाइटिक, एपिजोइक, एंडीजोइक एंड पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, क्राइफाइटिक। क्राइफाइटिक मीन्स एल्गी प्रेजेंट इन स्नो और आइस एंड दिस एल्गी इज गिवन कलर ऑफ स्नो, रेड, पर्पल, ब्लैक, ब्राउन, दीज आर डिफरेंट कलर गिवन बाई एल्गी वेन प्रेजेंट ऑन स्नो इन आइस। हेलोफाइटिक मीन्स एल्गी प्रेजेंट इन सेलाइन वाटर और सॉरी एसिडिक वाटर और सॉल्टी वाटर। दीज एल्गी जनरली क्लेमाइडोमोनास स्पीशीज। एपीफाइटिक नेचर मीन्स एल्गी प्रेजेंट इन अपर सरफेस ऑफ प्लांट बॉडी, जस्ट लाइक ए कॉलिकीट इज एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी विच जनरली शो एपीफाइटिक नेचर। एंड वी ऑल्सो डिस्कस ओडोगोनियम सम स्पीशीज also show epiphytic nature. Now we discuss epijoic. What is the means of epijoic? Algae present upper surface of animal. Example, just like a Cladophora crispata. Cladophora crispata generally present in snail outer surface. Endozoic, other examples of unusual habitat show by different types of algae. एंडोजोइक मीन्स क्या हुआ? एंडोजोइक मीन्स हुआ एल्गी प्रेजेंट इन टिश्यूज ऑफ एनिमल्स। एग्जाम्पल जनरली हमने दिया जू कोलेरा, एग्जाम्पल ऑफ एल्गी प्रेजेंट इन हाइड्राविडिस, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस क्राइफाइटिक नेचर। एल्गी प्रेजेंट इन स्नो आइस। ओके, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अक्रेंस शो बाई एल्गी। ओके स्टूडेंट्स, now we discuss other important characteristics of algae, which is chalice structure. Okay students, now we discuss
बॉडी स्ट्रक्चर और थैलस स्ट्रक्चर। देखिए मैंने अभी तक इसको अपर सरफेस को साफ नहीं किया है, इसका मीन्स आप एल्गी के जितने भी नेम हैं उनको देखते जाएं और उससे वेलन होते जाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस करते हैं अब बॉडी स्ट्रक्चर को। हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं थैलस स्ट्रक्चर, व्हाट इज द मीन्स ऑफ थैलस। देखिए जनरली जो प्लांट बॉडीज होती हैं वो रूट स्टेम और लीफ में डिवाइडेड होती हैं, जनरली ऐसे ही होता है। आपको रूट दिखती है जो अंडरग्राउंड होती है, स्टेम और जो लीव्स होती हैं वो अपर सरफेस में होती हैं। ओके, तो मेन पार्ट अगर हमसे पूछे जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई प्लांट के मेन पार्ट रूट स्टेम लीव्स होती हैं। लेकिन क्या अगर रूट स्टेम और लीव्स नहीं है तो प्लांट नहीं होगा? हमारे मन में, हमारे इस माइंड में आता है ना। अगर छोटी क्लास में हम लोग नर्सरी LKG HKG फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो अपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट क्या होगा कि भाई इसमें स्टेम रूट और लीव्स हो। लेकिन अब जब हम लोग मेडिकल लेवल पे जा रहे हैं तो हम लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ थैलस। थैलस सिंपली हम लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि थैलस वो प्लांट बॉडीज़ हैं जो रूट स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड नहीं होती। कोई भी क्लियर जो होता है, क्लियर डिवाइडेशन नहीं होता रूट स्टेम और लीव्स में। तो मीन्स क्या हुआ थैलस का? एनी प्लांट बॉडी विच नॉट बी डिवाइडेड इन स्टेम रूट एंड लीव्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको स्पेशली इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि कोई भी प्लांट बॉडी अगर रूट स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड नहीं है तो वो क्या होगी? थैलस। अब थैलस स्ट्रक्चर की अगर अपन रेफरेंस में चल रहे हैं तो जनरली हम लोगों को दो तरह की, टू टाइप्स ऑफ एल्गी बॉडी देखने को मिलेंगी। जनरली हम लोग डील करेंगे, एक तो होगा यूनिसेलुलर और एक होंगे मल्टीसेलुलर। देखिए यूनिसेलुलर का मीन्स हुआ कि ऐसी एल्गीज जो वन सेल हैं, यानी उनकी जो बॉडी है वो ओनली वन सेल है, तो रूट स्टेम लीव्स का तो सवाल ही नहीं उठता। ओके, हाउ वी कैन क्लासिफाइड इन रूट स्टेम लीव्स व्हाइल दिस एल्गी शो ओनली वन सेल स्ट्रक्चर्स। एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी वी पुट देयर टू हियर, हियर टू देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो यूनिसेलुलर एल्गी इज ए क्लेमाइडोमोनास पॉपुलर एग्जाम्पल। दिस शो दिस टाइप स्ट्रक्चर, टू फ्लैजेला प्रेजेंट इस अपर सरफेस और एंटीरियर साइड। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर कप लाइक क्लोरोप्लास्ट, वन न्यूक्लियस प्रेजेंट। ओके स्टूडेंट, जनरली दिस टाइप शो स्ट्रक्चर शो क्लेमाइडोमोनास, मोटाइल एल्गी है। ओके, क्लेमाइडोमोनास के साथ अगर हम डील कर लें क्लोरेला, ये भी बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है जो यूनिसेलुलर होता है, स्पेशली हम लोग ध्यान रखें क्लोरेला। ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसको हम लोग जनरली क्या करेंगे, यूनिसेलुलर में डील करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस मल्टी सेलुलर एल्गी, इट मीन्स एल्गी डेवलप बाय टू और मोर सेल। क्लोरेला की अगर स्ट्रक्चर को आप डील करते हो तो जनरली इस तरह दिखता है। यानी उसके आगे जो फ्लैजेला है वो नहीं होती, अमोटाइल एल्गी होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो ध्यान रखिएगा अगर आप एग्जांपल्स को भी डील कर रहे हैं तो यूनिसेलुलर में टू पॉपुलर नेम जरूर ध्यान रखना, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। नाउ डिस्कस मल्टी सेलुलर एल्गी। मल्टी सेलुलर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कुछ होते हैं कॉलोनियल, जिनकी जनरली नेचर होती है कि वो कॉलोनी को बनाते हैं। कुछ जो स्ट्रक्चर शो करते हैं कॉलोनियल के साथ वो होती है पेरेन्काइमेटस, ये भी एक बड़ी पॉपुलर नेचर होती है जो एल्गी में मिलती है। एक और बड़ी पॉपुलर नेचर है फिलामेंटस, जस्ट लाइक ए फिलामेंट, ये नेचर शो करते हैं।
कुछ साइफनस एल्गी होते हैं जिनकी जो बॉडी होती है वो जस्ट लाइक ए साइफन, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, तो वो भी नेचर हम लोगों को जनरली देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो साइफनस नेचर की भी एल्गी हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, और फिर अदर टाइप्स होंगे हमको डील करेंगे इससे। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि हम कॉलोनियल एल्गी को डील करें, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद की जाती है कि यहां से कोई अगर AIPMT का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमसे आ सकता है, और आए भी हैं। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलोनी को डील करेंगे और देखेंगे कि देखिए किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलोनी देखने को मिलती है एल्गी के अंदर। कॉलोनी के साथ हम लोग डील करेंगे इनकी सूडो पेरेन्काइमेटस नेचर, फिलामेंटस नेचर और साइफेनस नेचर, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी सेलुलर जो स्ट्रक्चर्स होंगी उनको डील करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इससे आगे डील करते हैं तो हम लोग ध्यान देंगे अब कि यहाँ पर हम लोगों के सामने जो कॉलोनियल हैबिटेट है उसमें डिफरेंट कंडीशन देखने को मिलती है। कॉलोनियल जो टाइप्स हैं उसमें हम लोगों को सिनोवियल, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप से ये देखने को हमको मिल जाता है। ठीक है, इसके साथ हम लोग डेंड्रोइट्स का टाइप देखते हैं। डेंड्रोइट्स ये एक स्पेशल टाइप हमको देखने को मिल जाता है। राइजोपोडियल ये टाइप हमको देखने को मिल जाता है। तो देखिए सिनोवियल, डेंड्रोइट्स, राइजोपोडियल ये ऐसे कुछ टाइप्स हैं जो जनरली हम लोगों को देखने को मिलते हैं कॉलोनी के। अब देखिए कॉलोनी जनरली दो टाइप्स की होती हैं, या तो उनकी सेल्स जो होती हैं फिक्स होती हैं, मूवेबल नहीं होती हैं, या फिर वो मूवेबल होती हैं, मोटाइल्स होती हैं। अगर अपन ये बात कर रहे हैं कि भाई फिक्स सेल्स होती हैं अगर कॉलोनी की, जैसे मान लीजिए कॉलोनी बन गई, अब इस कॉलोनी के अंदर क्या है कि डिफरेंस जो सेल्स हैं एल्गी की, अगर वो पर्टिकुलर एक ही जगह पर फिक्स हैं तो जनरली देखने को मिलेगा अपन लोगों को हाइड्रोडिक्टियन में। हाइड्रोडिक्टियन ऐसा एग्जांपल है जिसकी कॉलोनी की सेल्स फिक्स होती हैं, और कुछ ही कॉलोनी की सेल्स मोटाइल होती हैं, उसमें हम एग्जांपल देखने को मिलेगा वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है उसकी जो सेल्स होती है, यानी कॉलोनी में क्या हो गया कि जो सेल्स हैं वो एक साथ जो मिल जाती हैं और मिलकर क्या होती हैं पर्टिकुलरली जो होती हैं उनमें क्या होता है कि वो एक ही ग्रुप बना लेती हैं। ठीक है, और जो ग्रुप बन जाता है सेल्स का उनमें जो मोटाइल होती हैं वो वॉलवॉक्स की होती हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला मिलता है। अगर मोटाइल सेल्स होती हैं तो उनकी जो अपर सरफेस होती है ना वो इस तरह से होती है। ठीक है, आप देखना एक बड़ा पॉपुलर नाम दिया जाता है वॉलवॉक्स को, रोलिंग बॉल एल्गी। रोलिंग बॉल एल्गी क्यों कहा जाता है कि जो कॉलोनी बनाता है कौन, वॉलवॉक्स, वे उस कॉलोनी की जो आउटर सरफेस होती है उस पर फ्लैजिला मिलते हैं, और इस फ्लैजिला के थ्रू ये वाटर बॉडी में कॉलोनी इस तरह से राउंड राउंड मूवमेंट करती है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पर जाइए और यूट्यूब पर टाइप कीजिए वॉलवॉक्स कॉलोनी, तो देखेंगे आप कि वॉलवॉक्स कॉलोनी आपको इस यूट्यूब के वीडियोज़ में बिल्कुल इस तरह से मूव करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो मोटाइल अगर कॉलोनियल एल्गी पूछा जाता है आपसे तो आप वॉलवॉक्स का लिखोगे, और फिक्स सेल वाली नॉन मोटाइल, फिक्स सेल्स होती है एक जगह पर तो उसको कहाँ पूछा जाता है तो आप लोग लिखोगे हाइड्रोडिक्टियन। तो इस तरह से आप लोगों को टू टाइप्स जो होंगे वो सेल्स में देखने को मिलेंगे। ओके, अब देखिए हम लोग डील कर लेते हैं कि जो क्लेमाइडोमोनास होते हैं, जो कॉलोनी होती हैं उसमें सिनोवियल, डेंड्रोइट्स, राइजोपोडियल एंड एक और हम लोग डील करना है पामोइड। तो ध्यान रखना सिनोवियल, पामोइड, डेंड्रोइट्स, राइजोपोडियल ये डिफरेंट टाइप्स की जो कॉलोनी है वो हमको देखने को मिलेंगी। सिनोवियल मिलेगी हमको जनरली वॉलवॉक्स में, पामोइड हमको मिलेगी देखने को जो कॉलोनी है वो क्लेमाइडोमोनास में, एक को देखने को मिलेगी क्लेडोफोरा में, डेंड्रोइट्स टाइप की जो कॉलोनी है क्राइसोडेंड्रोन में मिलेगी देखने को, क्राइसोडेंड्रोन
डेंड्रॉन, क्राइसोडेंड्रॉन। और राइजोपोडियल देखने को मिलेगी हमें क्राइसी एडियंटम डेंटियम। तो ध्यान रखना क्राइसी डेंटियम का नाम पूछा जाएगा राइजोपोडियल में। देखिए डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनी है, उनके एग्जाम्पल आपके सामने हैं। सिनोबियल में वॉल्वॉक्स है, पॉमोइड में क्राइडोमाइडोमोनास क्लेडोफोरा में देखने को मिलेंगी, डेंड्रोन जो होगी क्राइसोडेंड्रोन में देखने को मिलेगी, और राइजोपोडियल क्राइसो नहीं है, क्राइसी डेंटिलियम या एडेंटियम। एडेंटियम वर्ड भी लग जाता है, इसके लिए मैं एक और वर्ड यूज कर लेता हूँ, इससे आप कंफ्यूज होंगे वरना। क्राइसी एडेंटम। तो अब हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं, यहां देखना क्राइसी है यहां क्राइसो है, दोनों में डिफरेंस है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं हम लोग। सिनोबियल जो होता है वो किस तरह की कॉलोनी होती है? सिनोबियल कॉलोनी ऐसी होती है जिनके अंदर क्या होता है, जो कॉलोनी की सेल्स होती हैं, मान लीजिए एक कॉलोनी है, इसकी जो सेल हैं उनका जो शेप क्या होगा, डेफिनेट होगा, उनकी जो साइज होगी वो डेफिनेट होगी, जो उनके फंक्शंस हैं वो डेफिनेट होंगे, और इनमें वर्क डिवीजन जो होगा वो सब में सिमिलर होगा। यानी सिनोबियल जो कॉलोनी बनती है उसमें जो एल्गल सेल्स होती हैं वो डेफिनेट शेप साइज और फंक्शंस वाली होती हैं, इवन उनका डिवीजन होता है, वर्क डिवीजन होता है, वो भी सिमिलर होता है। ये सिनोबियल की स्पेशलिटी, ध्यान रखना कि डेफिनेट सेल जो होंगी उनके डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट साइज होगी, डेफिनेट वर्क डिवीजन होगा, ये देखने को मिलेगा सिनोबियल में। पामिड में क्या होगा, पामिड इस टाइप की कॉलोनी होंगी जिनमें क्या देखने को मिलेगा कि जो कॉलोनी होंगी उनका ना तो डेफिनेट शेप होगा, ना डेफिनेट साइज होगी, ना डेफिनेट वर्क डिवीजन होगा, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स इंडिविजुअली अपने वर्क करेंगी, ठीक है। इसलिए इस टाइप की जो कॉलोनी होंगी उसमें हमको काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेंगे। ये टू टाइप्स की कॉलोनी बनाएंगी पामोइड, एक तो बनाएंगी टेम्परेरी और एक परमानेंट। ध्यान रखना टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी जो होगा वो क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलेंगी। पामोइड जो होगी, उस पामोइड का मीन्स हम समझ गए कि ऐसी कॉलोनी जिसमें पर्टिकुलर शेप ना हो सेल्स का, ना पर्टिकुलर साइज हो, और वर्क डिवीजन भी ना हो। अब वर्क डिवीजन ना होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल सेल जो होगी उसका इंडिविजुअल फंक्शन होगा, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल सेल अपने अपने लेवल पर अपने अपने फंक्शन शो करेंगी, कोई वर्क डिवीजन नहीं होगा, सिमिलर वर्क डिवीजन नहीं होगा। तो डेफिनेट शेप और साइज यहाँ एब्सेंट होगी, वर्क डिवीजन भी नहीं होगा, तो पामोइड ये वाली कॉलोनी है, ठीक है। अब पामोइड कॉलोनी में टू टाइप्स की फेज बन जाती हैं। कॉलोनी की जो सेल्स होती हैं या तो परमानेंट सेल्स होती हैं, इनकी परमानेंट फेज होती है, या टेम्परेरी फेज होती है। टेम्परेरी फेज जनरली हमें क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलती है, जहाँ जो कॉलोनी है वो जनरली जो कॉलोनी है उसी पर्टिकुलर कॉलोनी के अंदर क्या होता है कि एक सेल्स गैदरिंग कर लेती हैं, कॉलोनी बना लेती हैं, लेकिन ये जो कॉलोनी बनती है ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है, टेम्परेरी होती है। दूसरी कंडीशन पामेट में होती है कि जो एल्गल सेल होती हैं वो एक साथ ग्रुप करती हैं और कॉलोनी बनाती हैं। ये कॉलोनी जो पामेट होती है इसकी क्या क्वालिटी होती है, स्टेबल होती है। जनरली देखना ये कॉलोनी आपको इस तरह की दिखने को मिलेंगी, इस तरह से कुछ फ्लैजिला निकलेंगी। मैं किसकी बात कर रहा हूं, पामेट की। पामेट में इस तरह से आपको कॉलोनी देखने को मिलेंगी जिसमें कुछ सेल्स होंगी उस पर फ्लैजिला निकलती जाएंगी, ठीक है ना। तो पामेट के अंदर ये कंडीशन होगी, ये सेल अलग हो जाएगी, ये अलग होगी, ये अलग होगी, इस तरह से हमें पामेट देखने को मिलेंगी। जो परमानेंट होंगी उसमें इस तरह का देखने को मिलेगा हम लोगों को। ये इस तरह से भी हो सकती है, ये कॉलोनी बन गई, इसमें सेल्स के ग्रुप बन गए और डिफरेंट डिफरेंट शो करेंगी ये इस तरह से। तो इस तरह की लुक में दिखेंगी कौन सी, पामोइड। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना दोनों कॉलोनी में साइज शेप का डिफरेंट है, वर्क डिवीजन का डिफरेंट है। ये वर्क डिवीजन इनमें मिलता है, इसमें नहीं मिलता। यहाँ डिफरेंट सेल्स इंडिविजुअली अपने काम करती हैं, ठीक है। ये कॉलोनी परमानेंट भी बनाती हैं जो क्लेमाइडोमोनास इससे टेम्परेरी बनाती हैं जो क्लेमाइडोमोनास से बनती भी हैं, और परमानेंट बनाती हैं जो क्लेडोफोरा जैसे एल्गी से बनती हैं। परमानेंट में क्या होता है, जो कॉलोनी बनती है उसमें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं, उनसे फ्लैजिला निकलती हैं। ऐसे भी जो परमानेंट इस तरह की भी होती है विदाउट फ्लैजिला, इस तरह से देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स,
डेंड्रोइट्स जो होती हैं वो जस्ट लाइक ए ट्री होती हैं। जैसे मान लीजिए ये कॉलोनी हो गई, इसमें इस तरह से फिलामेंट निकलेगा, इसके टॉप पर इस तरह से देखने को मिलेगा। तो क्या होता है डेंड्रोइट्स में जो कॉलोनी होती हैं वो जस्ट लाइक ए ट्री की स्ट्रक्चर को शो कर लेती हैं, और जो राइजोपोडियल होती हैं उन राइजोपोडियल में देखने को क्या मिलता है, इस तरह से देखिएगा। इसमें राइजोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है कॉलोनी में, जैसी कोई राइजोपोडिया वाला टाइप हो, और डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनी एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाती है जस्ट लाइक ए अमीबा। तो क्या होता है यहाँ राइजोपोडियल टाइप्स के आउटग्रोथ निकल जाती है और कॉलोनी इसी के थ्रू क्या होती है, एक दूसरे से अटैच हो जाती है। तो राइजोपोडियल फॉर्मेशन होता है यहाँ कॉलोनी में, और कॉलोनी एक दूसरे के साथ इस फॉर्म में क्या हो जाती है, अटैच हो जाती हैं। तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, अगर कॉलोनियल पूछा जाए तो कॉलोनियल में पूछा जाएगा कि भैया कौन कौन से टाइप्स की कॉलोनी बनती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा स्पेशली, तो कि जो कॉलोनियल मल्टीसेलुलर नेचर होती है एल्गी की, वो फिक्स, जहाँ कॉलोनी की जो सेल्स होती हैं वो फिक्स होती हैं और मोटाइल नहीं होती, वो कौन से होता है एग्जाम्पल, हाइड्रोडिप्टियन। अगर जो सेल्स हैं कॉलोनी की वो अगर मोटाइल हों, फ्लैजेला के थ्रू मूवमेंट कर रही हैं, तो किस में देखने को मिलेगी, वॉलवॉक्स में। वॉलवॉक्स का एक अदर नेम भी है रोलिंग बॉल एल्गी, ये स्पेशली ध्यान रखना, रोलिंग बॉल एल्गी। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिनोबिल से एग्जांपल वॉलवॉक्स का ध्यान रखना, सिनोबिल का मींस ध्यान रखना, डेफिनेट सेल शेप साइज और सिमिलर वर्क डिविजन होगा। पॉमॉइड में ना डेफिनेट शेप होगा, ना साइज होगा, ना वर्क डिवीजन होगा, इंडिविजुअल से इंडिविजुअल करेंगे, क्लेमाइडोमोनास क्लेडोफोरा के स्पेशली ये शो करेंगे, अदर एल्गी भी शो करते हैं। जनरली टू टाइप्स की ये कॉलोनी बनेंगी, टेम्परेरी क्लेमाइडोमोनास के थ्रू और परमानेंट क्लेडोफोरा के थ्रू शो करेंगे, अदर एल्गी भी शो करेंगे। इसमें कॉलोनी में क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो होंगी सेल्स देखने को मिलेंगी, इनका पर्टिकुलर शेप साइज नहीं होगा, इस तरह से मोटाइल भी होंगे और इस तरह से नॉन मोटाइल भी होंगे। ओके स्टूडेंट्स, डेंड्रोइड्स का क्या होगा, जो कॉलोनी बनेंगी वो कॉलोनी जस्ट लाइक ए ट्रीज होंगी, जस्ट ये जो स्पेशली ये जो फिलामेंटस फॉर्म है इसके अपर पार्ट पर क्या बन गया, ये ऐसे ट्रीज के लाइक बन गया, उस पर क्या है, कॉलोनी है, तो जस्ट लाइक ए ट्री कॉलोनी बन जाएंगी, तो वो क्राइसोडेंड्रोन में देखने को मिलेंगी। और क्राइसिडेंट्रियम में कौन सी कॉलोनी देखने को मिलेंगी, क्राइसिडेंडियम में कौन सी कॉलोनी देखने को मिलेंगी, जस्ट लाइक ए राइजोपोडिया, कुछ सेल्स ऐसी होंगी कॉलोनी जिनमें राइजोपोडिया निकल जाएंगे, जो लोकोमोटिव ऑर्गन होते हैं इसके थ्रू ही आप कॉलोनी आपस में क्या हो जाएंगी, अटैच्ड हो जाएंगी। तो ध्यान रखना कि इस तरह से हम लोगों को शो करने को देखने को मिलेंगी क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलोनी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे किसको, पेरेन्काइमेटस फिलामेंटस और साइफिनस फॉर्म को, जो मल्टी सेलुलर एल्गी के थ्रू शो की जाती है। अब हम पेरेन्काइमेटस नेचर को शो करेंगे, वो किस तरह से होती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखो कॉलोनियल के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं पेरेन्काइमेटस फॉर्म। देखिए पेरेन्काइमेटस फॉर्म ये हो गई कि सेल्स का बंडल हो गया, काफी सॉफ्ट होंगे एल्गी, और काफी सॉफ्ट एल्गी जो होंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म शो करेंगे, ये ट्यूबुलर हो सकते हैं, ये फ्लैट हो सकते हैं, जैसे फ्लैट में अलवा, अलवा ऐसा एल्गी होता है जो बिल्कुल फ्लैट शो करता है, बिल्कुल चपटा सा फ्लैट फॉर्म करता है, ट्यूबुलर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रंग के होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, जैसे कॉम्प्लेक्स तो होती है सार्गेसम में, सार्गेसम जो होता है वो इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है जस्ट लाइक ए ट्री, ऐसा लगता है कि कोई ट्री हो। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जनरली हमको देखने को मिलती है सार्गेसम में। तो आप लोग ध्यान रखना, पेरेन्काइमेटस का मीन्स हुआ कि टिश्यूज के बंडल बन जाते हैं और बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट एल्गी की फॉर्म ये ले लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया इस तरह दिखता है जैसे कोई सॉफ्टी हो। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है चैप्टर 3 में, वहां हमारे एल्गी के पैच का पूरा डायग्राम बन रहे हैं, जिसमें कारा, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, डिक्टियोटा, पोरफाइरा, लेमिनेरिया जिसको मैं बना रहा हूं, लेमिनेरिया इस तरह से है आपके सामने। तो लेमिनेरिया कौन सी फॉर्म शो कर रहा है, पेरेन्काइमेटस फॉर्म शो कर रहा है इस तरह से। अगर मैं पोरफाइरा को शो करता हूं तो पोरफाइरा दिखने में इस तरह से हो जाता है,
बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, या उसमें ए ब्लडर होते हैं बिल्कुल इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये पोरफाइरा हो गया, तो आप लोग ध्यान रखना कि अगर पेरेंट काइमेटस फॉर्म से क्वेश्चन आता है तो पेरेंट काइमेटस फॉर्म का मीन्स ये हुआ कि जो टिश्यूज हैं बड़े सॉफ्ट हैं और जो एल्गी फॉर्म बन रही है बड़ी सॉफ्ट बन रही है, ठीक है। इसमें जनरली एग्जांपल सार्गेसम का आपके पूछा सकता है, अलवा जो है फ्लैट लाइक बिल्कुल फ्लैट है, चपटे बॉडी है, कॉम्प्लेक्स बॉडी जनरली शो कर रहे हैं सार्गेसम, इस तरह की स्ट्रक्चर है। पोरफाइरा बिल्कुल इस तरह से, आप एनसीईआरटी की जो अपनी बुक है 11th क्लास की उसको देखेंगे तो वहाँ इनके चपटे बने रहेंगे, और पोरफाइरा जनरली आप एग्जांपल देखेंगे तो फियोफाइसी का होगा ब्राउन ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन ब्राउन रंग से उसको कलर से उसको बनाया गया जाएगा और बिल्कुल इस तरह से एल्गी होगा। ऐसे लेमिनेरिया होगा जो फियोफाइसी का होता है, लेमिनेरिया भी इस तरह सॉफ्टी लाइक होगा और बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट होगा। तो पेरेंकाइमेटस फॉर्म में इतना ध्यान रखना कि सॉफ्ट सेल्स होती हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट शेप की बन सकती हैं, फ्लैट अल्वा में मिलेंगी, कॉम्प्लेक्स सार्गेसम में मिलेंगी, और पोरफाइरा और फ्यूकस ये लेमिनेरिया जैसे एल्गी में मिलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस फिलामेंटस फॉर्म। अब व्हाट इज द मींस ऑफ फिलामेंटस फॉर्म? एल्गी जो होंगे जनरली वो फिलामेंट फॉर्म को शो करेंगे इस तरह से। अब ये फिलामेंट फॉर्म जो होगी ना एल्गी की, वो जनरली टू टाइप्स की होगी, या तो ये फिलामेंट जो होगा वो अनब्रांच्ड होगा इस तरह से, यानी फिलामेंट फॉर्म की जो एल्गी होंगे वो कोई ब्रांच नहीं शो करेंगे, इस तरह से देखने को मिलेंगे। अब इस तरह की जो एल्गी होते हैं वो जनरली फिलामेंटस फॉर्म में हम लोगों को देखने को मिलते हैं अनब्रांच के अंदर, ओडोगोनियम, ओडोगोनियम अनब्रांच्ड होता है, यूलोथ्रिक्स, ये ऐसे एल्गी हैं जो जनरली क्या होता है, ऐसे एल्गी हैं जो जनरली क्या होता है कि अनब्रांच्ड होते हैं, जिनकी फिलामेंटस फॉर्म होती है जस्ट लाइक ए पेन, और ये यहां से कोई ब्रांच नहीं निकलती है। लेकिन जो ब्रांच एल्गी होते हैं, फॉर्म तो फिलामेंटस ही होती है, लेकिन फिलामेंटस फॉर्म में क्या होता है, इस तरह से ब्रांच निकल जाती है। ये ब्रांच फॉर्म तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी शो करते हैं, जैसे कारा, कारा में ब्रांच बन जाती है, ओके, सार्गेसम इसे बन जाती है, पॉलीसाइफोनिया में ब्रांच बन जाती है, ठीक है ना, ये एक्टोकार्पस में ब्रांच बन जाती है। तो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी ये शो करते हैं, ठीक है ना, जिनमें इस तरह से ब्रांच बन जाती है। अब ये देखो ब्रांच पर डिपेंड करता है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा में बिल्कुल सिंपल ब्रांचिंग होती है, सिंपल ब्रांचिंग किसमें, क्लेडोफोरा में कैसे होती है, ये उसका बेस पार्ट है और बेस पार्ट में कोई डिविजन नहीं होता, जो अपर पार्ट है उसमें डिविजन होते जाते हैं और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच बन जाती है। लेकिन जो इसकी जो बेसल पार्ट है, जो मेन जिससे ये नीचे ज़मीन पर लग रहा है, होल्ड फास्ट उसको जनरली बोलते हैं, अभी मैं उसको डिस्कस करूँगा आपके सामने। तो जो नीचे वाला बेसल सेल है वो तो डिवीज़न नहीं करी, अपर सेल डिवीज़न करके सिंपल ब्रांचिंग शो कर लेती है। ओके स्टूडेंट्स, तो जनरली ये सिंपल ब्रांचिंग देखने को मिल जाती है। एक और जनरली देखने को मिलती है इनमें नेचर, वो नेचर कौन सी होती है ब्रांचिंग में, हेट्रोट्राइकस, हेट्रोट्राइकस का मींस ये हुआ कि डिफरेंट टाइप की ब्रांच मिल जाती है, कोई छोटी है कोई बड़ी है कोई स्मॉल है, ये डिफरेंट टाइप से, और ये ब्रांचिंग जनरली मिलती है हमको पॉलीसाइफोनिया में देखने को। पॉलीसाइफोनिया जनरली ऐसा एल्गी है जिसमें ब्रांचिंग तो है और ब्रांचिंग भी कैसी है, हेट्रोट्राइकस टाइप की, यानी जो एल्गी है ना उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो लंबाई लेंथ की जो है वो ब्रांच बन जाती है, और ये जनरली देखने को किसमें मिलेगी हम लोगों को, हेट्रोट्राइकस फॉर्म के अंदर शुक्र होगी। ओके, एक और हम लोग सिंपल सा देख लें कि भाई जनरली क्या होता है, कुछ सूडो पेरेंट काइमेटस फॉर्म शो करते हैं, कुछ ब्रांचिंग कैसी होती है, सूडो पेरेंट काइमेटस, यानी ऐसा लगता है कि इनकी बॉडी पेरेंट काइमेटस है, इनकी बॉडी पेरेंट काइमेटस है लेकिन वो सूडो पेरेंट काइमेटस होती है, ब्रांचिंग हो जाती है वहां पर, ठीक है। ये बोटेडियम में हमको देखने को मिलती है, तो ध्यान रखना बोटरिचियम ऐसा कोई एक एल्गी है जिसमें जनरली हमको ये सूडो पेरेंट काइमेटस देखने को मिल जाती है। सार्गेसम जनरली ये भी शो करता है इस तरह से, भाई आपको तो सूडो पेरेंट काइमेटस समझ में आना चाहिए। सूडो पेरेंट काइमेटस का मीन्स ये हुआ कि लगता है ऐसा है कि वो पेरेंट काइमेटस फॉर्म है लेकिन होती नहीं है, वो ट्रू ब्रांचिंग ही होती है, ठीक है।
कई जगह एक ब्रांच बन जाती है, कहीं जगह दो ब्रांच बन जाती है, मल्टी ब्रांच देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये यूनिसेक्सुअल मल्टी यूनिएक्सुअल और मल्टी एक्सुअल देखने को मिलती है फॉर्म। जैसे जनरली देखिए ये तो यूनिएक्सुअल हो गया और इससे कई ब्रांच निकल रही हैं ऐसे, तो ये मल्टी एक्सुअल फॉर्म हो गई। तो क्या होता है सूडो ब्रांचिंग, जो सूडो पेरेंट क्राइमेटस जो होता है ना, सूडो पेरेंट क्राइमेटस में क्या होता है, पेरेंट क्राइमेटस फॉर्म का हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये पेरेंट क्राइमेटस फॉर्म है, लेकिन ये ब्रांचिंग ही होती है। अगर ये एक सिंपल ब्रांच है तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिएक्सुअल, और कई ब्रांच बन जाएंगी तो मल्टी एक्सुअल मिलेंगी। तो टोटली आपको ये ध्यान देना चाहिए कि फिलामेंटस फॉर्म क्या होती है, ऐसी फॉर्म जो ब्रांचिंग शो करती है। अनब्रांच्ड हो, एक सिंपल फिलामेंट होगा, अगर उसमें कोई ब्रांच नहीं होगी तो उसको हम बोलेंगे अनब्रांच फॉर्म, जनरली ओडोगोनियम यूरोथ्रिक्स इसको शो करेंगे। और ब्रांच्ड फॉर्म होंगी तो जनरली वो क्या होंगी, सिंपल ब्रांचिंग होगी, जहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। जो एग्जाम्पल हम सिंपल ब्रांचिंग की बोलेंगे क्लेडोफोरा। अगर कभी क्वेश्चन बन जाता है सिंपल ब्रांचिंग कौन सा एल्गी शो करता है, तो ध्यान रखना क्लेडोफोरा, जिसमें बेसल सेल डिवीजन नहीं करती, अदर सेल डिवीजन करती हैं। एक हेट्रोट्राइकस फॉर्म शो होती है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की ब्रांच बन जाती है, वो पॉलीसाइफोनिया से एल्गी शो करते हैं। एक हम बोल रहे हैं सूडो पेरेंट क्राइमेटस फॉर्म। सूडो पेरेंट क्राइमेटस फॉर्म में क्या होता है कि लगता ऐसा है कि जो एल्गी है वो पेरेंट क्राइमेटस है, लेकिन होता नहीं, उसमें ब्रांचिंग ही होती है। वो जनरली ये बोट्रिचियम एंड सार्गेसम में देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग लास्ट डिस्कस कर लेते हैं साइफेनस फॉर्म, यानी साइफेनस फॉर्म किस तरह से शो होगी उस पर हम लोग आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है AIPMT की पर्पज से, तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको ध्यान रखना ही है। विद एग्जाम्पल, साइफेनस फॉर्म जो होती है जनरली टू एल्गीज के द्वारा शो की जाती है, एक तो वाउचेरिया एंड एक बोट्रिडियम। ओके स्टूडेंट, साइफेनस फॉर्म के दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखना, एक तो बोट्रिडियम ध्यान रखना, एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, AIPMT में आ चुका है क्वेश्चन इससे। एक ध्यान रखना वॉचेरिया, यानी वॉकेरिया, जो हम लोग इसको प्रेनन करते हैं प्रेजेंट टाइम पर, वॉकेरिया। ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं। अगर मैं वॉकेरिया बना रहा हूँ तो वॉकेरिया दिखने में ऐसा होता है, ये इसके राइजोइड्स होते हैं, और यहीं से इसका जो थैलस है वो इस तरह से देखने को मिलता है। इसके थैलस में सेंट्रल साइफन होता है इस तरह से, इसको सेंट्रल वक्यूल भी कहते हैं। अगर कभी से पूछा जाता है साइफेनस एल्गी का एग्जांपल दीजिए, तो आप वाउचेरिया का एग्जांपल देंगे और बोट्रिडियम का एग्जांपल देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हम जो बना रहे हैं वॉकेरिया है, और वॉकेरिया के अंदर ये जो बीच का पार्ट बनाया हमने, ये सेंट्रल साइफन है। सेंट्रल साइफन के पेरीफेरल पार्ट में क्या होते हैं, इस तरह से आप लोगों को मल्टी न्यूक्लियर फॉर्म देखने को मिलेगी, काफी सारे न्यूक्लियस होंगे इस तरह से। तो कुछ क्वेश्चंस का ध्यान रखना, बोट्रिडियम और वाउचेरिया में जो वाउकेरिया है, यानी वाउचेरिया या वाउकेरिया, ये कैसा है, असेप्टेट। ओके स्टूडेंट्स, असेप्टेट है, और कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएट। अब मल्टी न्यूक्लिएट की जगह हम एक वर्ड लगाते हैं सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक का मींस होता है कि न्यूक्लियस का नंबर मोर देन टू और मोर देन होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, असेप्टेट होते हैं। तो इस तरह के जो एल्गी होते हैं वो वॉकेरिया है। वॉकेरिया को साइफन वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि बीच में इसके जो सेंट्रल साइफन है, सेंट्रल साइफन है यहां देखने को मिलता है, जो सेंट्रल वक्यूल होती है। ओके स्टूडेंट्स, उसके पेरिफेरल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और क्रोमेटोफोर मिल जाते हैं। अब हम लोग डिस्कस करें बोट्रिडियम को। बोट्रिडियम ऐसा होता है, यहां बना लेते हैं उसको अपन, बोट्रिडियम को ऐसे बोट्रिडियम होता है, ये उसके राइजोइड्स होते हैं और ये इसके अपर पार्ट में इस तरह की सेल्स देखने को मिलती है। तो ये इस तरह से बोट्रिडियम होता है, ये सब मल्टी न्यूक्लियर फॉर्म शो करते हैं इस तरह से, ये इसके राइजोइड्स इस तरह बन जाते हैं, कैसा लगता है कि ये भी मल्टी साइफन है। साइफन मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग स्पेशली अगर आप डिस्कस कर रहे हैं इसकी थैलस स्ट्रक्चर को, तो यूनिसेलुलर कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, किस टाइप्स की कॉलोनी बनती है, उसके एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। फिलामेंटस फॉर्म कौन कौन से एल्गी शो करते हैं, ओनली नेम, और साइफनस एल्गी के एग्जाम्पल क्या है, ये इसके जो एक्स्ट्रा होगा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा AIPMT में, और इसी के सारे क्वेश्चन बने। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एग्जाम्पल्स ध्यान रखना। मैं एक बार इसका फास्ट रिविजन मार लेता हूँ आप लोगों को। फिलामेंट थैलस का मींस क्या हुआ, ऐसे प्लांट बॉडी जो रूट स्टेम और लीव्स में डिवाइड ना हो, जो एल्गी होंगे उनके जो थैलस बॉडी होगी वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होगी। यूनिसेलुलर वन सेलुलर एल्गी होंगे,
जिनमें क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला ऐसे एल्गीज के एग्जाम्पल आप लोग स्पेशली ध्यान रखेंगे। मल्टी सेलुलर में आपको स्पेशली ध्यान रखना है कॉलोनी का, और कॉलोनी के जो फॉर्म्स हैं उनका स्पेशली ध्यान रखना है। जो हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ कॉलोनी बतलाई हैं और उनके एग्जाम्पल्स बतलाए हैं और उनकी जो क्वालिटी बतलाई हैं उनको आप कभी नहीं भूलने हैं। उसके बाद आप फिलामेंटस फॉर्म एल्गी के ओनली नाम ध्यान रख लेना, और उस फिलामेंटस फॉर्म में सिंपल ब्रांचिंग किस में, सिंपल फिलामेंट किस में ही ध्यान रखना। हेटरोट्राइकस का मीन्स क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं जो ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, कोई लेंथ ज़्यादा होगी कोई लेंथ कम होगी। सूडोपेरेनकाइमेटस का मीन्स ध्यान रखना, एग्जाम्पल ध्यान रख लेना। मेन साइप्रस एल्गी कौन कौन से टू हैं वो देखिए ना, बॉटरीडियम एंड वाउचेरिया वॉकेरिया। मल्टी न्यूक्लियट होते हैं इसलिए ये सीनोसाइटिक भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है अगर हम लोग करेक्टरिस्टिक्स को डील कर रहे हैं। तो एल्गी जो होते हैं उन एल्गी के अंदर हम लोगों ने डील कर लिया क्या, उनकी थैलस स्ट्रक्चर। अब अदर करेक्टरिस्टिक्स को डील करेंगे हम इसके बाद। एक और थैलस में आप लोग स्पेशल ध्यान रखना कि जो एल्गी फिलामेंटस होते हैं और स्टेबल होते हैं, स्टेबल भी हैं और जनरली फिलामेंटस हैं, तो क्या होता है इन एल्गी के जो निचला पार्ट होता है उससे इस तरह से राइजोड्स निकलते हैं जो सोइल या वाटर की सरफेस पर ये होल्ड हो जाते हैं, और यहां से इस स्ट्रक्चर को जो नीचे होती है इसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। हर एल्गी में होल्ड फास्ट होती है, ठीक है। उसके बाद उनकी जो सेल्स होती हैं वो देखने को मिल जाती हैं, अपर सेल्स आप देखेंगे कि यूलोथ्रिक से वो इस तरह की फॉर्म शो करेगा। तो इस तरह से आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन देखने को मिल जाएंगी। तो जो होल्ड फास्ट है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो होल्ड फास्ट ध्यान रखना एल्गी के नीचे वाले पार्ट में, बेसल वाले पार्ट में जो स्टेबल एल्गी हैं वाटर के अंदर, उनको होल्ड रखना पर्टिकुलर प्लेस पर वाटर के अंदर, वो किसका काम होता है, होल्ड फास्ट का। यूलोथ्रिक्स के अंदर ये मिल जाता है, वॉकेरिया के अंदर ये मिल जाता है जिसमें आपने राइजोइड्स वाले पार्ट देखे थे, ठीक है ना, बॉटियोडियम में ही मिल जाता है। तो ऐसी कई एल्गी हैं, ओडोगोनिया में मिल जाता है, ऐसे कई एल्गी हैं जो होल्ड फास्ट रखते हैं, जिससे क्या होते हैं ये होल्ड रहते हैं वाटर सरफेस में या इनके पर्टिकुलर हैबिटेट में। तो ये एक ऐसी क्वालिटी जिसको भी आप लोग स्पेशली ध्यान रखेंगे। अब हम लोग इनके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डील करते हैं, तो अब अपने सामने आता है इनका क्लोरोफिल या इनके पिगमेंट। देखिए एल्गी जो हैं उनके पिगमेंट के थ्रू ही हम लोग डीलिंग करेंगे कि भाई इनमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं और किस तरह की पिगमेंट की कंडीशन होती है। लेकिन आप पिगमेंट पढ़ने से पहले एक नॉर्मल बात ध्यान रखना जो आपको भूलना नहीं है। एक तो आप लोगों को ये नहीं भूलना है कि इनमें क्लोरोफिल ए और एक बीटा जो कैरोटीन है, ये दो नाम आपको नहीं भूलने हैं। कोई सा भी एल्गी हो, किसी भी तरह का एल्गी हो, कोई सी भी क्वालिटी एल्गी की हो, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन जितने भी एल्गीज हैं उन सब में प्रेजेंट हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पिगमेंट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना अगर आ जाता है कि एल्गी का यूनिवर्सल पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए और एक होता है बीटा कैरोटीन। ये हर एल्गी में देखने को मिलता है अगर यहाँ से पिगमेंट से कोई क्वेश्चन बनता है तो। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग अदर चीज़ को डील कर लेते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग डील करते हैं इनके पिगमेंट को, आप लोग ध्यान रखना क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन को। देखिए अगर हम पिगमेंट को डिवाइड करें तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट यानी ऐसे पिगमेंट जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, ठीक है, ये कलरलेस पिगमेंट होते हैं जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते। ओके, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, ये कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट होते हैं जिससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कलर होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब क्रोमोप्लास्ट में एक तो होता है क्लोरोफिल, जिसको जनरली हम शॉर्ट फॉर्म में CHL लिखते हैं, एक होता है जेंथोफिल, जेंथोफिल, एक देखने को हमको मिलता है कैरोटीन, और एक देखने को हमको मिलता है फाइकोबिलिन्स।
ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऐसा पिगमेंट है जो जनरली क्या होता है, ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन देखने को मिलती है। क्लोरोफिल की डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। जनरली फ्रिश नाम के साइंटिस्ट ने काम किया था कि जो जितने भी एल्गी थे उनको 11 क्लास में डिवाइड किया था। अब वो 11 क्लास तो हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में उन क्लासेस को डिविजन्स के नाम से दिया गया है, और 3 डिविजन्स को स्पेशली दिया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। हम उसी के रेफरेंस से पढ़ते हैं क्योंकि उससे अदर क्वेश्चन नहीं बनना है। जैसे अगर मैं बोलता हूं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, तो आप इसका क्या मीन समझेंगे? क्लोरोफाइसी वे एल्गी होंगे जो ग्रीन एल्गी होंगे, फियोफाइसी वे एल्गी होंगे जो ब्राउन एल्गी होंगे, रोडोफाइसी वे एल्गी होंगे जो रेड में होंगे, रेड रेड कलर के होंगे। अब आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, ग्रीन कलर के एल्गी ग्रीन क्यों है उसका स्पेशल रीजन है, मैं उसको क्लियर करूंगा। ब्राउन एल्गी ब्राउन क्यों है और रेड एल्गी रेड क्यों है। एक बात उससे पहले मैं आपको बतला ही चुका हूं कि जितने भी एल्गीज हैं उनमें यूनिवर्सल पिगमेंट 2 हैं, एक तो क्लोरोफिल ए और एक बीटा कैरोटीन। जब हम कैरोटीन को डील करेंगे उस टाइम इसको देख भी लेंगे। तो ध्यान रखना इस कंडीशन को कि एक तो बीटा कैरोटीन और एक क्या हम लोग डील कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए, दोनों की क्या नेचर होती है, दोनों ही यूनिवर्सल पिगमेंट हैं। अब बात समझना, ग्रीन ग्रीन इसलिए है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी है, यानी क्लोरोफिल ए और बी किससे मिलता है, ग्रीन एल्गी में। ओके स्टूडेंट्स, जो ब्राउन एल्गी होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी होता है। ओके, और जो रेड एल्गी होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी होता है। इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में ले जाइए क्योंकि ये बात आपके लिए मस्ट है कि आप ध्यान रखें कि क्लोरोफिल के आपको 5 टाइप देखने को मिल रहे हैं एल्गी में, ए बी सी डी ई, जिनमें ए और बी ग्रीन एल्गी में है, जो क्लोरोफाइसी को डील करेंगे, जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, डिविजन है ना कि क्लास। ब्राउन एल्गी जो डील करेंगे क्लोरोफिल ए और सी को, और ब्राउन क्यों होंगे क्योंकि उनमें क्लोरोफिल ए और सी है, और ये किस डिविजन को डील करेंगे, फियोफाइसी। देन रेड एल्गी रेड क्यों है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल ए और डी है, और ये डील करेंगे रोडोफाइसी को। देखिए अब ज़ेंथोफिल में भी स्पेशली ज़ेंथोफिल देखने को मिलता है रोडोफाइसी में। अगर कोई क्वेश्चन बन ही जाता है तो ध्यान रखना ज़ेंथोफिल स्पेशली रोडोफाइसी में देखने को मिलेगा ये पिगमेंट, और इसका एक पिगमेंट जनरली मेन देखने को मिलता है फ्यूकोज़ेंथिन। मेन अगर ज़ेंथोफिल पूछा जाए, ऐसे ज़ेंथोफिल के डिफरेंट टाइप्स हैं, 20 टाइप्स ऑफ ज़ेंथोफिल अभी प्रेजेंट टाइम हैं, लेकिन अगर हमसे पर्टिकुलर पूछा जाता है कि मेन ज़ेंथोफिल कौन सा है तो आप लोग स्पेशली ध्यान रखना फ्यूकोज़ेंथिन। ओके स्टूडेंट्स, और एग्जाम्पल ज़ेंथोफिल जनरली देखने को मिलता है रोडोफाइसी में। कैरोटीन में आ जाएं तो कैरोटीन अल्फा बीटा गामा ई, ये डिफरेंट टाइप्स के कैरोटीन होते हैं, जिनमें से मैंने बोल ही दिया है कि जो बीटा कैरोटीन है वो ऑल एल्गी में प्रेजेंट है, लेकिन जो अल्फा कैरोटीन है वो क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी जो है इनमें प्रेजेंट है। गामा कैरोटीन भी स्पेशली क्लोरोफाइसी में मिलता है, ठीक है, और ये ई जो वाला कैरोटीन है ये जनरली हमको देखने को मिल जाता है रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी में। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाएगा हमसे, वो पूछा जाएगा कि भाई कौन सा कैरोटीन ऑल एल्गी में देखने को मिलता है, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन क्लोरोफाइसी फियोफाइसी मिल रहा है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चांस ना के बराबर है। गामा जो कैरोटीन है वो क्लोरोफाइसी मिलता है, और जो ई कैरोटीन है वो रोडोफियो में मिलता है। आप तो स्पेशली ध्यान रखेंगे अपने AIPMT के पर्पज से बीटा कैरोटीन को। फाइकोबिलिन देखिए जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं,
फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथिन। अगर फाइकोसाइनिन अगर किसी एल्गी में प्रेजेंट है तो वो एल्गी होंगे ब्लू। आप समझ रहे होंगे कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी पड़े थे हमने, ब्लू क्यों है? फाइकोसाइनिन के रीजन से। और अगर कोई एल्गी रेड है तो उसमें स्पेशली फाइकोएरिथिन होगा। कौन सा फाइकोबिलिन होगा रेड एल्गी में? फाइकोएरिथिन। क्यों? क्योंकि फाइकोएरिथिन वे पिगमेंट है जो रेड रंग के लिए, रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो पिगमेंट में आपको स्पेशली यही ध्यान रखना है जो मैंने बोर्ड पर दिया है। आपको यह ध्यान रखना है कि एल्गी जनरली ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि अपना फूड सेल सिंथेसाइज करते हैं किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि ल्यूकोप्लास्ट जो पिगमेंट होता है, कि ये ध्यान रखना है कि भाई दो पिगमेंट जो हैं वो एल्गी में यूनिवर्सल हैं, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। ल्यूकोप्लास्ट किसी कलर की रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये फूड रिजर्व के साथ काम आएगा। जो क्रोमोप्लास्ट होगा, वो क्रोमोप्लास्ट जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमा यानी कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। जो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल जो होगा वो फाइव टाइप्स को देखने को मिलेगा हमें, ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई में जो क्लोरोफाइसी डिवीजन होगा वो ग्रीन कलर की एल्गी का होगा, उनमें क्लोरोफिल ए भी मिलेगा। जो फियोफाइसी होंगे ब्राउन एल्गी होंगे और उनमें ए सी मिल जाएगा। और जो रोडोफाइसी होंगे रेड एल्गी होंगे और उनमें ए ओ डी मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जो जेंथोफिल होगा वो रोडोफाइसी में देखने को मिलेगा और ये फ्यूकोजेंथिन मेन जेंथोफिल पिगमेंट है। ऐसे कैरोटीन में मेन कौन है? बीटा कैरोटीन, जो ऑल एल्गी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अल्फा गामा ई भी मिलेंगे। फाइकोबिलिन की टू स्पेशल टाइप होंगे, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथिन। ठीक है, रेड एल्गी में फाइकोसाइनिन होगा और जनरली ब्लू एल्गी कोई होगा तो उसमें फाइको क्या होगा? साइनिन। जनरली स्पेशली ब्लू ग्रीन एल्गी जो लिखा था हमने वहां फाइकोएरिथिन था, लेकिन हम ब्लू ग्रीन एल्गी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो प्रोटिस्टा है। ओके स्टूडेंट्स, तो पिगमेंट आपके सामने क्लियर है, इनका स्पेशली ध्यान रखना। इन पिगमेंट के जो रीजन है उससे क्या होते हैं? सभी एल्गी ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब एक चीज और ध्यान रख लेना पिगमेंट के साथ, क्या? इनकी स्ट्रक्चर में हमको पाइरोनोइड देखने को मिलेगा। पाइरोनोइड क्या होता है? जो एल्गी होते हैं उनमें प्रोटीनियस बॉडी मिलती है। प्रोटीनियस बॉडी देखने को मिलती है एल्गी में। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्लेमाइडोमोनास है, इसके दो फ्लैजिला हैं, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, इसके साथ यहां हमको पाइरोनोइड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को वन पाइरोनोइड देखने को मिल जाएगा। क्लेमाइडोमोनास के साथ अब यूलोथ्रिक्स का नाम सुनते हैं, यूलोथ्रिक्स में भी एक पाइरोनोइड देखने को मिल जाएगा। वाउकेरिया में कई सारे पाइरोनोइड देखने को मिलेंगे आपको, है ना, मोर देन वन, लेकिन वन पाइरोनोइड क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलेगा। व्हाट इज पाइरोनोइड? पाइरोनोइड ऐसी बॉडी होती है जिस पर क्या होता है, जो स्टार्च होता है वो रिजर्व होता है। यानी पाइरोनोइड वे प्रोटीनियस बॉडी है जिस पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल वाले पार्ट फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो रिजर्व फूड बनाते हैं, जो फूड सिंथेसाइज करते हैं, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। जितनी भी एल्गी हैं उनका जो रिजर्व फूड होता है जनरली वो स्टार्च होता है। स्टार्च के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती हैं, लेमेनरीन, ठीक है, इस तरह की डिफरेंट फॉर्म होती हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स देखने को मिल जाती हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो प्रोटीनस बॉडी एल्गी में देखने को मिलती हैं वो पाइरोनोइड होती हैं। और पाइरोनोइड में क्या होता है, मैक्सिमम एल्गी का जो फूड रिजर्व फूड है स्टार्च, वो स्टार्च क्या होता है, इन पाइरोनोइड के साथ साथ ये पाइरोनोइड बॉडी हो गई और ये क्या हो गया, स्टार्च हो गया। तो स्टार्च क्या होता है, इस पाइरोनोइड बॉडी के साथ साथ मिलता है देखने को। तो पाइरोनोइड बॉडी क्या हो गई, जो रिजर्व फूड को अपने साथ रखेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जब एल्गी अपना रिजर्व फूड स्टार्च बनाएंगी तो स्टार्च क्या होगा, इनके साथ रिजर्व रहेगा। किनके साथ? पाइरोनोइड बॉडी के साथ। तो इस तरह से हमारे सामने स्पेशली देखने को मिल गया कि भाई किस तरह से एल्गी में ये करेक्टर देखने को मिलता है। अब हम लोग डील करेंगे फ्लैजिला को, कि एल्गी जो होते हैं उनमें फ्लैजिला किस तरह की देखने को मिलती है और किस तरह की ये फॉर्म्स की होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम फ्लैजिला को डील करते हैं।
तो एक स्टूडेंट देखिए, फ्लैजिला को अगर हम डील कर रहे हैं तो फ्लैजिला के साथ कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे। पहली बात तो हम फ्लैजिला को ध्यान रखें, जितने भी मोटाइल होंगे एल्गी यूनिसेलुलर जैसे क्लेमाइडोमोनास उसमें फ्लैजिला होगी, जनरली यूनिसेलुलर में देखने को मिलेगी। मल्टीसेलुलर में तो वॉलवॉक्स ऐसा एग्जाम्पल है जो रोलिंग बॉल एल्गी है, फ्लैजिला लगता है। एक क्वेश्चन स्पेशली बन जाता है रोडोफाइसिस है। देखिए दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जिससे AIPMT पर क्वेश्चन बना है, एक तो साइनोफाइसी और एक रोडोफाइसी। ये दोनों ऐसे एल्गल डिवीजन हैं जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होती है, लेकिन साइनोफाइसी हमारा चला गया प्रोटिस्टा में, इसलिए इसको डील करना यहां जरूरी नहीं है, उसको वहीं डील करना बेटर रहता है। बस हम इतना ध्यान रखें उसमें कोई फ्लैजिला नहीं होती। अगर हम एल्गी पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम में तो हमें स्पेशली ध्यान रखना है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी ऐसा मेंबर है, ऐसा डिवीजन है एल्गी का जिसमें कोई फ्लैजिला नहीं होती। इवन उसके जो गैमेट्स होते हैं ना, उन गैमेट्स में भी फ्लैजिला नहीं होती। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है AIPMT एग्जाम में कि कौन सा एल्गी ग्रुप ऐसा है, एल्गी डिवीजन ऐसा है जिनके गैमेट्स भी कैसे होते हैं अमोटाइल नॉन मोटाइल, फ्लैजिला उनमें एब्सेंट होती है। तो ये स्पेशली एग्जाम्पल ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, और फ्लैजिला जिनमें एल्गी में है वो इसके अलावा, इसको हटा कर ये इसके अलावा सभी एल्गी में फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो रोडोफाइसी के जो डिविजन्स के एल्गी हैं उनमें क्या होती है, फ्लैजिला नहीं मिलती। इवन उसके गैमेट्स भी कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नॉन मोटाइल गैमेट्स वाले डिविजन कौन सा एल्गी का, रोडोफाइसी, जिनमें फ्लैजिला क्या है, एब्सेंट है। अब फ्लैजिला के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, टू टाइप्स की फ्लैजिला देखने को मिलती हैं। देखिए अब टू टाइप की जो फ्लैजिला है उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे, एक तो है एक्रोनिमेटिक और एक है प्लेरोनिमेटिक। एक्रोनिमेटिक एंड प्लेरोनिमेटिक ये टू फॉर्म्स हैं, पी साइलेंट नहीं लिखना है आपको। तो एक्रोनिमेटिक एंड प्लेरोनिमेटिक, एक्रोनिमेटिक का मींस होता है कि ये जो फ्लैजिला हैं इन फ्लैजिला के दोनों ओर बोथ साइड में कोई भी ऐसी अपेंडिजेस या कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं देखने को मिलती। जबकि जो प्लेरोनिमेटिक हैं इसमें जो फ्लैजिला है उसकी जो दोनों बोथ सरफेस हैं वहां आपको ऐसे क्या होंगे, पर्टिकुलर आउटग्रोथ देखने को मिलेंगी। तो दोनों जो फ्लैजिला हैं उनमें डिफरेंट टाइप आपको देखने को मिलेगा इसके पर्टिकुलर रेफरेंस में। ओके तो देखिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अगर फ्लैजिला के दोनों साइड में कोई भी आउटग्रोथ नहीं है, ठीक है, जैसे यहां आउटग्रोथ है, पर्टिकुलर इस आउटग्रोथ को हम कहेंगे फिलीमर या मैस्टोगोनिन्स और मैस्टेगोनिन्स। तो ध्यान रखना मैस्टिगो जो निम्स हैं या जो फिलीमर हैं अगर किसी फ्लैजिला की एक साइड या दोनों साइड पर प्रेजेंट है, जरूरी नहीं कि दोनों साइड पर ही हो, एक साइड भी मिल सकती है, तो वो प्लेरोनिमेटिक होगी। और कोई फिलीमर या मैस्टिगोनिन्स अगर फ्लैजिला की साइड पर नहीं है तो वो कहेगी एक्रोनिन्स। अब एक्रोनिमेटिक जो है उसका एक और नाम है विप्लेश, जो बड़ा पॉपुलर है। व्हाट इज द मींस ऑफ विप्लेश फ्लैजिला? विप्लेश फ्लैजिला वे होती हैं जिनमें वन साइड और बोथ साइड क्या होता है, एब्सेंट होता है, बोथ साइड एब्सेंट होता है। आपको ये बोलना चाहिए कि बोथ साइड फिलीमर या मैस्टिगोनिन्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। अगर हम बोलते हैं प्लेरोनिमेटिक तो इसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं हम, टिंसल। व्हाट इज द मींस ऑफ टिंसल? फ्लैजिला शो प्रेजेंस ऑफ वन साइड और बोथ साइड फिलीमर और मैस्टोगोनिम्स। जैसे हमारी जो दाढ़ी होती है वो दाढ़ी हम लोगों के जब आ जाती है तो हमारी जो स्किन है वो हमारे गाल जो होते हैं वो खुरदरे लगते हैं, और जब हम दाढ़ी बना लेते हैं बियर्ड को तो क्या होते हैं, हम चिकने लगते हैं। तो क्या होता है, एक्रोनिमेटिक जो होती हैं विप्लेश वो स्मूथ फ्लैजिला होती हैं, क्योंकि मैस्टोगोनिम्स या फिलीमस इसमें प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन जो प्लेरोनिमेटिक होती है, इट मीन्स टिंसल फ्लैजिला, उसमें क्या होता है, वन साइड या बोथ साइड में फिलीमस
या मैस्टिगो निम्स होता है, जिस हमारे दाढ़ी या बियर्ड होती है, इसलिए जनरली क्या होता है, ये जो होती हैं इनमें स्पेशली अपन को देखने को मिलता है कि यहाँ पर स्मूथ सरफेस नहीं होगी। अब देखिए इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप होंगे, किनके हम लोग जिनकी बात करें, प्लेरोनेमेटिक या टिंसल की, इसमें होती है पेंटानिमेटिक, पेंटाक्रोनिमेटिक, ठीक है, ये ऐसे नाम है जो डिफरेंट डिफरेंट ये शो करेंगी, पेंटानिमेटिक, पेंटाक्रोनिमेटिक। देखो पेंटानिमेटिक का मींस क्या होता है, कोई फ्लेजिला है वो गैमेट्स के अपर सरफेस पे मिल रही है और उसके बॉस साइड पर इस तरह से, क्या प्रेजेंट है, फिलीमर या मैस्टिगो निम्स प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोल लेंगे पेंटानिमेटिक। लेकिन पेंटाक्रोनिमेटिक बोल रहे हैं हम, तो पेंटाक्रोनिमेटिक में क्या होगा, फिलेजिला के जो अपर सरफेस है उसकी दोनों साइड पर फिलीमर या मैस्टिगो निम्स होंगी, लेकिन जनरली फिलेजिला अपर सरफेस पर होगी और क्या होगी, एक साइड एक होगी। लेकिन देखिए अगर हम लोग ये देखते हैं कि क्या, कि अगर कोई फ्लेजिला किसी भी कंडीशन में है और उसके अपर साइड पर जो फ्लेजिला देखने को मिल रही है उसकी किसी एक साइड पर, दोनों में से किसी एक साइड पर क्या है, फिलीमर या मैस्टिगो निम्स प्रेजेंट हैं, तो ये डिफरेंट टाइप की क्या बन जाती है, फ्लेजिला बन जाती है। ओके, देखिए इस टाइप की जो फ्लेजिला है इसके लिए हम पर्टिकुलर नाम देंगे एक्रोनिमेटिक, ये हमने नाम दे दिया ऑलरेडी, एक्रोनिमेटिक वर्ड हम इसके लिए यूज कर चुके हैं पर्टिकुलरली, तो ये नेम तो हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे नहीं। ओके स्टूडेंट, इसके लिए हम पर्टिकुलर एक नाम यूज करेंगे स्टाइकोनिमेटिक, इसके लिए कौन सा वर्ड होगा, स्टाइकोनिमेटिक, मैं साफ साफ लिख देता हूं इधर, स्टाइकोनिमेटिक। तो आप लोग स्पेशली ध्यान रखें हमारे सामने कौन कौन से वर्ड आ गए, फ्लेजिला जो है उसके बेसिस पर हमारे सामने एक्रोनिमेटिक ऐसी फ्लेजिला है जिनको विप्लेश कहा जाता है, और ये ऐसी फ्लेजिला होती है जिसके वन या बोथ साइड पर, स्पेशली बोथ साइड पर कोई भी फिलीमर या मैस्टिगो निम्स प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए चिकनी होती हैं, स्मूथ होती हैं। प्लेरोनिमेटिक या टिंसल फ्लेजिला जो होती है उनकी वन साइड या बोथ साइड पर फिलीमर या मैस्टिगो निम्स प्रेजेंट होती हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट थ्री टाइप्स बनाती हैं, पेंटानिमेटिक, पेंटाक्रोनिमेटिक एंड स्टाइकोनिमेटिक। जो पेंटानिमेटिक होती हैं वो फ्लेजिला जो होती हैं गैमेट्स की अपर सरफेस से मिलती हैं, जनरली टू नंबर्स में होती हैं, और उनके दोनों साइड पर क्या होते हैं, फिलीमर्स या मैस्टिगोनिम्स मिलती हैं। पेंटानिमेटिक का जो नंबर्स होता है वो एक होता है जनरली फ्लेजिला के, इसकी दोनों साइड पर क्या होती हैं, देखने को मिलती हैं फिलीमर्स, और स्टाइकोनिमेटिक क्या होता है, इनकी एक सरफेस पर ही क्या देखने को मिलती हैं, एक साइड में, अगर ये फ्लेजिला है तो उसकी एक साइड पर ही क्या देखने को मिलती है स्टाइकोनिमेटिक में, मैस्टिगोनिम्स या फिलीमर्स, दूसरी साइड पर एबसेंट होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेजिला हमको देखने को मिल रही हैं। अगर फ्लेजिला के साथ हम लोग एक बात को डील कर लें, क्या कि भाई जो एल्गी होते हैं उसके साथ अगर ये वर्ड लगता है आइसोकोन और हेट्रोकोन, तो इसका मतलब समझ जाइएगा इन टर्म्स का मतलब क्या है। आइसोकोन का मतलब ये है कि अगर कोई एल्गी है और उस पर टू फ्लेजिला है या मोर फ्लेजिला है, तो टू हो या मोर हो जनरली क्या होता है, वो फ्लेजिला सिमिलर लेंथ की होंगी, यानी उनकी जो लेंथ है वो सिमिलर होगी। हेट्रोकोन का मीन्स ये है कि फ्लेजिला है और जो फ्लेजिला जो हैं उनकी जो लेंथ है, मान लीजिए टू फ्लेजिला है तो एक फ्लेजिला की लेंथ कम है, एक फ्लेजिला की लेंथ ज़्यादा है। जनरली तुम देखना कि हम लोग जब डिस्कस करेंगे फियोफाइसी को, तो फियोफाइसी में क्या होगा, जो फ्लेजिला हैं वो अपर सरफेस पे नहीं होंगे, एंटीरियर पोजीशन पे नहीं होंगे, गैमेट्स की लेटरल पोजीशन पे होंगे, जिनमें एक फ्लेजिला की लेंथ तो ज़्यादा होगी और दूसरी फ्लेजिला की लेंथ कम होगी। तो आप देखोगे कि ये हेट्रोकोन शो कर रहे हैं, लेटरल पोजीशन में फ्लेजिला प्रेजेंट है, किस में पढ़ेंगे अपन, फियोफाइसी में, एक फ्लेजिला की लेंथ ज़्यादा होगी दूसरी फ्लेजिला की लेंथ कम होगी, तो एक की ज़्यादा है एक दूसरी की कम है, लेटरल पोजीशन है, अपन तो स्पेशली ध्यान रखें जब फ्लेजिला टू और मोर हो, उनकी लेंथ अलग अलग हो, वो सिमिलर ना हो, तो वो हेट्रोकोन पोजीशन होगी,
और अगर सिमिलर हैं तो वो आइसोकॉन पोजिशन होगी। तो इस तरह से अपन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरह से ये देखने को मिलेगा कि भाई फ्लैजिला जो हैं उनकी कंडीशंस क्या हैं। अब जनरली हम देखते हैं कि भाई फ्लैजिला जो होते हैं, जनरली गैमेट्स में जो फ्लैजिला होते हैं उनका जो नंबर होता है वो 2 होता है, मैक्सिमम जितने भी एल्गी उनमें ऐसा ही है। लेकिन कई एल्गी ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजिला का नंबर 4 होता है। कई ऐसी एल्गी होते हैं जिनमें फ्लैजिला का नंबर मल्टी नंबर होता है, मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं। तो फ्लैजिला के बेस पर क्या होता है, उनमें फ्लैजिला के नंबर्स कई ज्यादा मिल जाते हैं, 4 से भी नंबर ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जनरली देखिए फ्लैजिला का नंबर तब देखने को मिलेगा जब हम गैमेट्स को डील करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक्टोकार्पस ऐसे मैक्सिमम एल्गी हैं, एक्टोकार्पस हो गया या मैक्सिमम एल्गी हो गए, उनके जो गैमेट्स होते हैं ना उनमें 2 फ्लैजिला ही मिलती है देखने को। लेकिन देखिएगा आप लोग डील करें ना यूलोथ्रिक्स को, यूलोथ्रिक्स ऐसे होंगे जिनके कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर आपको 4 नंबर ऑफ क्या मिलेंगे फ्लैजिला गैमेट्स में। और अगर मल्टी फ्लैजिलेट अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग ध्यान रखना उडोगोनियम, और एक एग्जांपल और होगा वॉकेरिया जिसको हम डील कर रहे थे, ये ऐसे एग्जांपल हैं उडोगोनिया और वॉकेरिया जिससे जनरली क्या होगा हमारे क्वेश्चन जो बनेगा उडोगोनियम वॉकेरिया मल्टी फ्लैजिलेट। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है AIPMT में कि मल्टी फ्लैजिलेट जो गैमेट्स बनते हैं वो किस एल्गी में बनते हैं। तो उसमें स्पेशली आप लोग ध्यान रखना उडोगोनियम और वॉकेरिया का एग्जांपल। अगर क्वेश्चन इस पुट हो जाता है कि 4 नंबर्स ऑफ गैमेट्स जो है फ्लैजिला किस गैमेट्स से मिलते हैं, तो यूलोथ्रिक्स का 2 गैमेट्स वाला क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम एल्गी जो होते हैं उनके अंदर कंडीशन क्या होती है कि 2 गैमेट्स जो गैमेट्स होते हैं उनमें 2 फ्लैजिला ही होते हैं। हाँ ये हो सकता है कि अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई फ्लैजिला की जो लैटरल पोजीशन है ठीक है किस टाइप्स के गैमेट्स में मिलती है, वो किस फैमिली या किस रीजंस को शो करते हैं, तो मैंने बताया आपको रोडोफाइसी। ओके स्टूडेंट यहां से क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना अगर लेटरल पोजीशन जो होती है फ्लैजिला की किस टाइप्स ऑफ गैमेट्स में जो होती है वो डिविजन से रिलेट करती है, तो रोडोफाइसी के सभी एल्गी में क्या होता है लेटरल पोजीशन होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर्स ऑफ फ्लैजिला से बन जाता है तो 4 नंबर ऑफ फ्लैजिला जिन गैमेट्स में होती है वो एल्गी होते हैं यूलोथ्रिक्स, और मल्टी फ्लैजिलेट जो गैमेट्स बनते हैं वो उडोगोनियम और वॉकेरिया में बनते हैं। तो इस एग्जाम्पल को आप स्पेशली ध्यान रखना फ्लैजिला के रेफरेंस में। अब कुछ अदर करेक्टरिस्टिक्स को डील कर लेते हैं, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं वक्यूल को। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनमें वक्यूल हो जाती है और जनरली गैस वक्यूल होती है जिससे वो बायोसेंस शो करते हैं, और जनरली जो होते हैं उनमें क्या होती है बायोन्सी पाई जाती है और वो फ्लोटिंग करते रहते हैं, ठीक है। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनमें रिजर्व फूड होता है, रिजर्व फूड वक्यूल्स मिल जाती हैं जैसे लेमेनरीन, लेमेनरीन स्टार्च, ऐसे कुछ फ्रीजर फूड जो होते हैं वो वक्यूल्स से मिल जाते हैं। वक्यूल्स के कुछ और रीजन भी हो जाते हैं, वक्यूल्स क्या करती है ऑस्मो रेगुलेशन भी करती हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकालती हैं, तो कुछ एल्गीज में जनरली हम लोगों को ये मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स तो वक्यूल से क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना गैस वक्यूल्स होती हैं, वक्यूल्स का और काम होता है वेस्ट मटेरियल को निकालना, और भी काम होता है कौन से देखिए जनरली अपन तो वन वे में डील करते हैं। गैसियस वक्यूल्स होती हैं जो इनमें बायोन्सी शो करती हैं, रिजर्व फूड के लिए भी ये होती हैं, लेमिनिन जैसे स्टार्च हो गया, इसके अलावा वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए भी क्या होती हैं वक्यूल्स मिल जाती हैं एल्गीज के अंदर, ऑस्मो रेगुलेशन वाटर को लेना और निकालना जैसे अपन लोगों ने प्रोटोजोआ में डील किया था वैसा इनमें भी देखने को मिल जाता है। तो ये जनरली हम लोगों के अगर कोई वक्यूल से क्वेश्चन आया तो स्पेशली ध्यान रखना। अब इसके बाद अगर हम लोग स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स में डील कर रहे हैं
तो एक करेक्टर को अपन डील कर लेते हैं। जैसे देखिए कुछ एलगी ऐसे होते हैं जिनमें स्टिग्मा मिल जाती है, जिससे रेड आई स्पॉट भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जनरली जो मेन ग्रुप एलगी होता है उसमें क्लोरोफाइसी ऐसा है जिसमें ये स्टिग्मा मिल जाती है, और क्लोरोफाइसी में भी आप लोग स्पेशली ध्यान रखना क्लेमाइडोमोनास। ओके स्टूडेंट्स, जनरली क्या होता है जो स्टिग्मा होती है इसकी जो पोजीशन होती है या तो एंटीरियर होती है, यानी जो अपर पार्ट होता है वहां पर ये देखने को मिल जाती है। कई बार जो होती है मिडिल पोजीशन में होती है, और कई बार ऐसा होता है कि जो इसकी पोजीशन है वो पोस्टीरियर होती है। यानी अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई स्टिग्मा की पोजीशन क्या है, तो एल्गी के अंदर कहीं मिल सकती है, एंटीरियर मिल जाए, मिडिल पोजीशन में मिल जाए, या पोस्टीरियर पोजीशन में मिल जाए, तीनों में से कोई सी भी पोजीशन में स्टिग्मा देखने को मिल सकती है एल्गी के अंदर। ओके स्टूडेंट, उसके बाद अगर हम डील कर रहे हैं कि जो एल्गी हैं उन एल्गी के अंदर स्टिग्मा का फंक्शन क्या होता है, तो स्टिग्मा देखिए इस तरह की होती है, इसमें इस तरह का एक लेंस होता है, लेंस के नीचे एक इस तरह से फोटोसिंथेटिक प्लेट होती है, फोटोसिंथेटिक प्लेट हो गई, ये इनका लेंस हो गया, ये इनका फोटोसिंथेटिक प्लेट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है इसका काम होता है लाइट को कैच करना। फोटोसेंसिटिव जो पार्ट होता है एल्गी का, एक तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, और एक फोटोसेंसिटिव पार्ट जो होता है एल्गी का वो होता है स्टिग्मा। इस फोटोसेंसिटिव पार्ट के थ्रू क्या होता है, जस्ट लाइक ए आईज, क्या होता है कि कोई एल्गी रेस्पॉन्स शो करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लेमाइडोमोनास या क्लोरोफाइसी ग्रुप के जो एल्गी हैं, स्पेशली जब उन पर सनलाइट होती है या कोई सी भी लाइट पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एस्टिमेशन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सनलाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सेंसिटिव होते हैं। क्यों? वो सनलाइट जाती है लेंस पर, लेंस की जो बीच के बाद ये स्पेस बन रहा है, ठीक है, ये स्पेस होता है फोटो सेंसिटिव रीजन, तो यहां से यहां पहुंचती है और उसके बाद पिगमेंट पे चली जाती है, ठीक है, और ये पिगमेंट उसको कैच कर लेते हैं। तो आप इतना ध्यान रखना, स्टिग्मा क्लोरोफाइसी में स्पेशली प्रेजेंट होती है, फोटो सेंसिटिव होती है, लेंस फोटो सेंसिटिव रीजन और फोटो सिंथेटिक प्लेट के थ्रू बनती है। इसके थ्रू क्या होते हैं, जो एल्गी होते हैं वो लाइट रेस्पॉन्स शो करते हैं, और इसकी जो पोजीशन होती है एल्गी में, एंटीरियर मिडिल या पोस्टीरियर हो सकती है। जैसे क्लेमाइडोमोनास में अगर हम लोग इसको शो करें, तो क्लेमाइडोमोनास, जैसे अगर ये क्लेमाइडोमोनास है, ये उसके दो फ्लैजिला हैं, तो यहाँ पर उसमें क्या होता है, रेड आई स्पॉट या स्टिग्मा प्रेजेंट होती है। तो ध्यान रखना, अगर स्टिग्मा से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर आपसे वो नहीं पूछेगा। ओके, अब हम लोग लास्टली हम लोग डिस्कस कर देते हैं, तो हम लोग इसको एंड कर लेते हैं यहीं से क्लास का। उसके बाद हमारे रिप्रोडक्शन बचेगा, तो रिप्रोडक्शन को अपन डील कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग ध्यान रखना, एक छोटी सी बात वो ध्यान रखना कि जो कैरोटेनाइड्स है ना, जिनों को हमने पढ़ा है, ये कैरोटेनाइड्स के नंबर्स भी काफ़ी वेरी करते हैं एल्गी पे, लेकिन यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। कैरोटेनाइड्स के नंबर्स बस ध्यान रखना कि काफ़ी वेरी करते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है थाइलेकोइड्स से, कई एल्गी ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है थाइलेकोइड्स की जो प्लेटें होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, 2, 4 मेनी नंबर्स ऑफ प्लेट्स से मिल जाती हैं। तो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स में आप अक्रेंस, थैलस स्ट्रक्चर, पिगमेंट, फ्लेजिला, ओके स्टूडेंट्स, ये ऐसे स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं, रिजर्व फूड, ठीक है, ये स्पेशल ध्यान रखना जिसको आपको डील करना है। और एक लास्ट करेक्टर मैं और बता देता हूं आपको, सेल वॉल। सेल वॉल में स्पेशली ध्यान रखना कि जितने भी एल्गी हैं उनकी जो सेल वॉल है उसका आउटर पार्ट जनरली बना होता है किसका, पेक्टिन का, और जो इनर पार्ट होता है सेल वॉल का वो बना होता है सेलुलोज का। लेकिन अगर आप डील कर रहे हो फियोफाइसी को, तो फियोफाइसी के आउटर सेल वॉल में आपको मिलेगा एल्जीन। ओके, ये एक्सेप्शन केस होगा, जनरली जितनी भी एल्गी हैं उनकी आउटर सेल वॉल बनी होगी पेक्टिन की, और इनर सेल वॉल जो होगी वो बनी होगी सेलुलोज की। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्पेशली अपन को देखने को मिलेगा।
ओनली जनरली क्या होगा, अगर हम फियो फाइसी को डील कर रहे हैं तो उनकी आउटर सेल वॉल जो होगी वो एल्जिन की बनी होगी और सेल वॉल से कोई क्वेश्चन पुट नहीं होगा। इसी के साथ देखिए स्टूडेंट्स, सेल वॉल का जितनी भी स्टडी थी वो अपनी कंप्लीट, सारे करैक्टेरिस्टिक्स को डील कर लिए अपन ने। यहाँ से ही कोई क्वेश्चन अगर बनता है करैक्टेरिस्टिक्स पे तो फ्लैजिला से बनेगा, सेल वॉल से बन सकता है, रिजर्व फूड से बन सकता है, ठीक है, अक्रैन से बन सकता है एंड इनके पिगमेंट से बन सकता है और थैलेसिस स्ट्रक्चर से बन सकता है। तो स्टूडेंट्स यहीं से इस क्लास को अपन ऑफ करते हैं। ओके, गुड बाय।